चलो, ये अपने को एक क्वेश्चन दिया है, इसको देखो पहले कि एन इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कि अपने पास एक इलेक्ट्रॉन था जिसकी काइनेटिक एनर्जी इसने गिवन है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल ऑफ 4 वोल्ट, तो उसको 5 वोल्ट का पोटेंशियल और दे दिया, तो उसको सॉरी 4 वोल्ट का पोटेंशियल उस पर और अप्लाई कर दिया। तो अपने देखा था कि पोटेंशियल अगर अपन किसी चार्ज पार्टिकल पे अप्लाई करते हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा। तो अब बोल रहा है कि जब अपन इस पर पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तब अपने पास उसका वेवलेंथ कितना हो जाएगा, लैम्डा एसोसिएट विद इलेक्ट्रॉन। तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी था, तो अपने पास अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी देखोगे आफ्टर दिस पोटेंशियल, मतलब जब ये पोटेंशियल अपन अप्लाई कर चुके हैं इसके बाद, तो अपने लिखा था कि अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना है किसी भी चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल की वजह से, तो अपन लिखते हैं क्यू इंटू वी। तो अभी तो इलेक्ट्रॉन अपने पास तो चार्ज तो क्या हो गया ई, और पोटेंशियल अपने पास कितना है 4 वोल्ट, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज जाएगा कितना आएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो मतलब अपने पास पोटेंशियल लगाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन था उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अभी देखो तो टोटल एनर्जी अपने पास कितनी हो जाएगी कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑलरेडी था, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन ने उसको पोटेंशियल के थ्रू दिया, तो अपने पास टोटल एनर्जी आ जाएगी इसकी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने जो पूछा गया वेवलेंथ, एक वेवलेंथ पूछा गया मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ अपने को निकालना है, अपने को काइनेटिक एनर्जी पता है। तो फॉर्मूला अपने लिखा था लैम्डा इक्वल टू अपने पास अगर काइनेटिक एनर्जी पता है तो एच अपॉन रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि अगर h को अपन रखेंगे किसमें, जूल पर सेकंड में, तो अपने को काइनेटिक एनर्जी रखना पड़ेगा किसमें, जूल में। मास रखना पड़ेगा किसमें, केजी में, तो वेवलेंथ आएगा सेकंड में। तो इसको अगर तुमको जूल में कन्वर्ट करना है तो 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो यहाँ पे वैल्यूज वगैरह पुट करके सोल्व करोगे कि काइनेटिक एनर्जी अपने पास आ गया जूल में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा अपने पास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी, और ये अपने पास पता ही है जूल इंटू सेकंड में। तो यहाँ से अपना लैम्ब्डा आएगा किसमें, मीटर में, तो ये तुम्हारे पास आएगा 9.87 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। हाँ, एक बार और देखो, तो ये था अपने पास। तो देखो सवाल अपने पास क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन था जिसके पास ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी कितना 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब अपन ने इस पे तो एक इलेक्ट्रॉन था अपने पास काइनेटिक एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ, अब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एक्सेलरेट किया गया, इस पे पोटेंशियल अप्लाई किया गया, तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, मतलब उसको एक्सेलरेशन मिल गया एक तरीके से पोटेंशियल के फॉर्म में। तो 4 वोल्ट का अपने पोटेंशियल अप्लाई किया, ये चीज तुमको ध्यान हो तो मैंने बोला भी था, ये अपने आयनाइजेशन एनर्जी में भेजा था तुमको, तुमने अगर नोट्स पढ़ा होगा तो शॉर्ट नोट्स टाइप से, या एक बार अपने डिस्कस भी किया था कि अगर अपन किसी इलेक्ट्रॉन को वी वोल्ट का, इसको अपन V नहीं लिख के लिख दे कि X, X वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया है उस पे, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को क्या करता हूँ X वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करता हूँ, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा वो अपने पास X इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अपन डिफाइन ही ऐसे कर रहे हैं कि अगर मेरे पास क्या है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अपन ने डेफिनेशन डिस्कस की थी एक बार, कि अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और अगर उस इलेक्ट्रॉन को मैं 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करा देता हूं तो मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1 वोल्ट से बढ़ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अपने पास जो पोटेंशियल की वैल्यू रहेगी मैग्नीट्यूड वाइज, वही सेम वैल्यू अपने पास उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी आएगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट। तो इसको तुम ऐसे डायरेक्ट भी सोच सकते थे कि 4 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया, मतलब काइनेटिक एनर्जी अपन ने बढ़ा दी कितने से, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, और अपन ने कैलकुलेट करके भी निकाला तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आ रहा है। तो अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके पास ऑलरेडी थी, 4 वोल्ट अपन ने पोटेंशियल लगाया उसकी वजह से उसका एनर्जी बढ़ जाएगा कितने से, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से।
तो टोटल काइनेटिक एनर्जी अपने पास कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक तरीके से अपने को इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी पता है और अपने को निकालना क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो जब अपने को काइनेटिक एनर्जी पता होती तो अपने पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म ये वाला फॉर्मूला लगाना अपने को कि लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे यूनिट वगैरह का ध्यान रखना है तो सोल्व करोगे तो यहाँ पे अपने पास लैम्डा आ जाएगा किसमें, मीटर में। इसको एंगस्ट्रोम में कन्वर्ट करोगे तो 10^-10 को क्या लिख सकते हो, 1 एंगस्ट्रोम लिख सकते हो। तो आंसर आ जाएगा 3.87 एंगस्ट्रोम। क्लियर है क्या अभी? Yes. चलो तो ये था अपने पास एक क्वेश्चन, अपन इससे रिलेटेड कर दिया पोटेंशियल से रिलेटेड। अब अपन ने, तुमको ध्यान हो तो बोर मॉडल में अपन ने बात किया था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जिंक ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होता है या जिन सेल में प्रेजेंट होता है उनको अपन नाम दे रहे थे क्या, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। और स्टेशनरी ऑर्बिट्स की एक खासियत होती है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम दैट इज एल, जो एंगुलर मोमेंटम होता है एल उसको अपने डिफाइन किया था एम वी आर। तो अपन ने बोला था कि स्टेशनरी ऑर्बिट में जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर, ये अपने पास एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, दैट इज एन टाइम्स उसका रहेगा। तो मैंने वहां पे बोला था कि बोर इस रिलेशन को प्रूव नहीं कर पाया था, ये अपन आगे जाके डी ब्रोगली कंसेप्ट में प्रूव करेंगे। तो अपने को उसी का प्रूफ लिखना है कि किस तरीके से वो आ रहा है। देखो तो इसमें तुम चाहो तो इस तरीके से हेडिंग डाल सकते हो कि डी ब्रोगली कंसेप्ट वर्सेस बोर थ्योरी। तो पहली बात अगर डिफरेंस की बात करें तो बोर ने क्या किया था, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल की तरह कंसीडर किया था कि अपने पास एक न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, जैसे मास पार्टिकल होता है वैसे एक इलेक्ट्रॉन है और वो सर्कुलर पाथ में क्या होता जा रहा है, घुमा जा रहा है अपने पास न्यूक्लियस के चारों तरफ। हाँ सर, उसने कंसीडर किया था सर, इसका मतलब नहीं समझ में आता। कंसीडर किया था मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को सिर्फ पार्टिकल माना था ना, जैसे अपन अभी क्या बोले, डी ब्रोगली ने बोला कि हर पार्टिकल मतलब हर चीज में क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस है अगर वो मूविंग सब्सटेंस है तो दोनों नेचर होता है, तो उसने वेव नेचर नहीं कंसीडर किया था। अभी अपन वेव नेचर मानेंगे तो देखो अपन प्रूव भी कर पाएंगे कि अपने पास ऐसा रिलेशन आ जाता है, एंगुलर मोमेंटम जो है एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। अगर दोनों को अपन कंसीडर, वो भी दोनों को कंसीडर करता, इलेक्ट्रॉन को अगर एक वेव की तरह भी ट्रीट करता साथ के साथ, तो वो इस प्रूफ को एक्सप्लेन कर सकता था। अच्छा यस हाँ, तो एक्चुअल में अगर बोले तो एक्चुअल में तो कोई भी मूविंग सब्सटेंस है, कुछ भी हो, हम भी अगर चलते हैं तो अपने साथ भी क्या होती है, एक वेव एसोसिएट रहती है, लेकिन उस वेव का वेवलेंथ इतना छोटा है कि अपन उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपन ने अंदर कोई भी, जो अपन चारों तरफ कोई भी चीज देखते हैं, कार हो गया, बाइक हो गया, कोई दूसरा इंसान हो गया, कोई बॉल तुमने फेंका, तो इन सबको अगर तुम देखते हो तो तुमको वो पार्टिकल की तरह दिखाई देता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे चल रहा है, वहां पे तुमको कोई वेव जैसा मोशन नहीं दिखेगा जैसे लहराते हुए चल रहा है वो, क्योंकि वहां पे वेवलेंथ इतनी कम है कि तुम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, तो अपन आंखों से नहीं देख पाएंगे। सर, लेकिन हाँ सर, अगर कोई मैक्रो ऑब्जेक्ट है, यही जो आप बॉल का एग्जांपल दे रहे थे, तो इसमें जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है, हर एटम की वेवलेंथ का समेशन होता है या फिर उस बॉल की इंडिविजुअल वेवलेंथ का ही अलग होती है उसके एटम्स की समेशन से? वैसे अगर अपन बोलेंगे तो बोलना तो यही चाहिए कि उस एटम की भी क्यों बोलोगे, उसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ना उन सब वेव का होता है, वेव के कॉम्बिनेशन होते हैं ना, अपना इंटरफेरेंस तुमने पढ़ा होगा 10th में कि सेम फेज में आ रहा तो वे बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है। यस सर, कंस्ट्रक्टिव वही है अपने पास। हाँ, वो इंटरफेरेंस ही देखोगे तुम, फाइनल क्या रिजल्ट तुमको दिख रहा है वो दिखेगा तुमको तो। अच्छा, ओके सर। हाँ, तो अपन ये बोल रहे थे कि बोर्ड ने जैसे बोला कि अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में है तो वहां पे उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर, वो एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, लेकिन उसने इसका प्रूफ नहीं दिया, तो प्रूफ वो डी ब्रोगली ने करके दिखाया। तो देखो इसने क्या बोला था अपने पास कि जैसे अपने पास एक एटम है, तो बोर के अकॉर्डिंग तो क्या था कि न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन अपने पास एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता जा रहा है पार्टिकल की जैसे, लेकिन डी ब्रोगली ने बोला कि इसके साथ वेव नेचर भी एसोसिएट है और इसने प्रूव करके भी बताया कि जो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन जैसे, तो इन सब में क्या होता है वेव नेचर ज्यादा डोमिनेट करता है, मतलब ये अपने पास साथ के साथ एक वेव भी बनाएगा।
तो ये इस तरीके से कुछ ट्रेवल कर रहा होगा वेव की फॉर्म में, ठीक है। तो जो बोर ने बोला था कि सर्कुलर पाथ में एक पार्टिकल की तरह चलेगा, लेकिन बाद में उसने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, एक वेव बनाते हुए वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे पहली बात तो अपने जो बना रखा है इसमें देखो कितनी वेव है, ये अपने पास एक वेवलेंथ हो जाएगी, दो पीक्स के बीच की डिस्टेंस, ये अपने पास तीन वेव। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो अपने पास तीन वेव है। तो अलग अलग सेल में किस सेल में कितनी वेव बनेगी उसकी भी अपन डिस्कस करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में तो वहां पे कितनी वेव बनाता है, फोर्थ सेल में तो वहां पे कितनी बनाएगा, सेवंथ सेल में तो वहां पे कितनी वेव बनाएगा, वो भी अपन कैलकुलेट करेंगे। तो अपन एक पर्टिकुलर ले ले रहे एग्जांपल जिसमें इस तरीके से अपने पास क्या बन रही है, वेव बन रही है, ठीक है। अब अपने पास जब इलेक्ट्रॉन वेव बनाते हुए चल रहा है तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि अच्छा इसको पहले ऐसे समझो तुम कि अगर अपने पास एक रस्सी होती है तो अपने पास जो रस्सी है अगर इसमें अपन ने क्या किया, रस्सी का लेंथ है क्या एल, और यहाँ पे अपन ने एनर्जी दिया, इसको जर्क दिया, तो कुछ वेव्स बनेगी इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेव बनी तो इस वेव की जो टोटल वेवलेंथ रहेगी, यहाँ पे जितनी भी वेव बनेगी कि अपने पास मान लो दो वेव अपन बना ले हैं इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो अपने पास से क्या हो जाएगी, यहां से यहाँ एक वेव और यहां से यहाँ एक वेव, तो इसकी लेंथ अपने पास लैम्डा और इसकी भी लेंथ अपने पास लैम्डा। तो अपन दो वेव बने तो अपन क्या लिख सकते हैं कि टू लैम्डा इक्वल टू अपने पास क्या रहेगा एल। इसी तरीके से यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अपने पास कोई ऑर्बिट है, कोई सेल है, उसमें अपने पास क्या बन रही, एन वेव बन रही है। तो जो अपने पास टोटल लेंथ रहेगी वेव की, तो अपने पास क्या लिखा जाएगा उसको एन लैम्डा, और एन लैम्डा इक्वल टू अपने पास क्या रहेगा, सर्कुलर पाथ के बराबर रहेगा एम वी आर, ये मैं लिख सकता हूँ क्या? Yes. इसमें किसी को दिक्कत है, कैसे लिखा मैंने? सर एमबीआर क्यों लिखा गया? क्या जी? एमबीआर क्यों लिखा? एमबीआर क्यों लिखा? सर्कुलर पाथ का लेंथ क्या होता है? सॉरी टू पाई आर आएगा ना, एमबीआर में भी उल्टा लिख रहा हूँ, टू पाई आर। तो जैसे अपन ने इसमें बात किया है कि अपने पास ये रस्सी थी, इसका लेंथ अपने पास क्या था एल था, और यहाँ पे अपने को देखा कि दो वेव बन रही है, तो दोनों वेव की जो लेंथ रहेगी दैट इज टू लैम्डा इक्वल टू अपने पास क्या रहेगा रस्सी की लेंथ के बराबर। तो यहाँ पे भी अपन ये बोल रहे कि इलेक्ट्रॉन जो एक सर्कुलर पाथ में था, अगर उसको पार्टिकल की तरह अपन एज्यूम करें तो उस सर्कुलर पाथ की जो लेंथ रहेगी अपने पास क्या रहेगी, टू पाई आर। और अगर उसने उस पाथ पे चलते टाइम अगर मान लो कि एन वेव बनाई है एन नंबर में, तो टोटल वेवलेंथ अपने पास कितनी हो जाएगी, n into lambda, तो n into lambda equal to अपने पास क्या आ जाएगा, 2 pi r। अभी क्लियर है क्या ये? Yes sir, yes sir। चलो, अब डी ब्रोगली ने बोला कि अगर अपने पास पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है और दोनों को अगर रिलेट करना है, तो वेव जो एसोसिएट रहेगी उसकी वेवलेंथ जो आएगी lambda equal to अपने पास क्या होता है, h upon mv। तो यहाँ पे भी जो लेमडा है अगर मैं उसको क्या कर दूं, एच अपॉन एम वी रख दूं, तो एच अपॉन एम वी इक्वल टू लेमडा की जगह में रख दिया एच अपॉन एम वी इक्वल टू अपने पास क्या गया, टू पाई आर। तो यहां जगह देखो तो अपने पास क्या आ जाएगा कि इस एम वी को तुम ले जाओ इधर और टू पाई को ले आओ नीचे, तो वही रिलेशन आ जाएगा अपने पास कि एन एच अपॉन टू पाई इक्वल टू एम वी आर। तो बेसिकली पता है उसने क्या किया था, उसने पार्टिकल माना, तो अपन ने जैसे बोला डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट में भी तो अपन ये बोल रहे हैं कि कोई भी सब्सटेंस होता है तो उसके पास क्या होता है, वेव नेचर भी होता है, और वेव नेचर को अपन मान मेजर कर रहे थे किसके हिसाब से, वेवलेंथ के हिसाब से, दैट इज लैम्डा। और उसके पास क्या होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, और पार्टिकल नेचर को अपन मेजर कर रहे हैं किसके हिसाब से, मोमेंटम के हिसाब से, पी। तो उसने बोला, बोर्ड ने तो ये एज्यूम किया था कि इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या होता है, एक पार्टिकल की तरह है, तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था, इसलिए उसने एंगुलर मोमेंटम बोल दिया। अगर कोई पार्टिकल लीनियर मोशन करता है तो उसके करस्पॉन्डिंग अपन जो मोमेंटम डिफाइन करते हैं वो लीनियर मोमेंटम होता है एम इंटू वी, और अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसमें जो मोशन के अबाउट मोमेंटम रहेगा अपने पास होता है एंगुलर मोमेंटम। तो उसने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना था, तो उसने ये तो सोचा ही नहीं कि अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो वेवलेंथ कहाँ से आएगी, क्योंकि तुम वेव की तरह कंसीडर करोगे तब ना वेवलेंथ की बात करोगे,
तो उसने के दिमाग में कहीं आया ही नहीं कि अगर वो वेव की तरह मानता तो फिर भी उसके दिमाग में आता कि अच्छा वेवलेंथ भी करके कुछ हो सकती है यहाँ पे। तो उसने पार्टिकल माना, उसने बोला कि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो उसने निकाला सीधा क्या एंगुलर मोमेंटम, और उसने देखा कि हर सेल में जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है ना वो एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है। तो उसने ये डायरेक्ट रिलेशन लिख दिया कि अपने पास जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा एम वी आर वो एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। उससे प्रूफ मांगा तो उसने मना कर दिया कि इसका कोई प्रूफ होता ही नहीं, बस तुमको ये याद कर लेना है, क्योंकि ये अभी प्रूव किया वेव नेचर को मानते हुए तब ये प्रूफ हो पा रहा है। क्योंकि प्रूव करने के लिए अपन ने क्या बोला है कि जो अपने पास अगर वेव रहेगी तो जो वेव बनेगी उसकी जो लेंथ रहेगी टोटल एन लेमडा इक्वल टू अपने पास क्या रहेगी सर्कुलर पाथ की लेंथ टू पाई आर। तो यहां से अपन ने प्रूव कर दिया कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो एन एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो ये प्रूफ वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तुमसे स्कूल एग्जाम में प्रूव करवाने को बोला जा सकता है, बाकी इसका इतना इंपॉर्टेंस है फिलहाल। तो सर वेव नेचर है तब भी, मतलब वेव में है तब भी उसकी एंगुलर मोमेंटम होगी? अरे वेव भी तो है पार्टिकल भी तो है, दोनों नेचर है ना, अपन ये थोड़ी बोला कि सिर्फ वेव ही। अच्छा ओके यस सर, मुझे लगा कि अभी सिर्फ वेव को देख रहे हैं। ओके सर समझ गया। नहीं नहीं दोनों को कंसीडर कर रहे हैं ना, इसलिए अपन ने एंगुलर मोमेंटम की बात की और वेवलेंथ की भी बात की। समझ में आता है क्या ये? यस सर समझ गया। चलो तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लो, ये प्रूफ अपन ने कर ही दिया। तो हेडिंग में तुम ऐसा कुछ डालना कि बोर्स थ्योरी वर्सेस डी ब्रोगली कंसेप्ट। तो अपन वही सब चीजें लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख देता हूँ कि बोर्ड ने क्या क्या कंसिडर किया था अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is an integral multiple of h upon 2 pi। ठीक है, और इसमें चाहो तुम ब्रैकेट में लिख लेना this can be derived with the help of डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। तो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट का मतलब हो जाता है कि अपन ने दोनों नेचर को साइमल्टेनियसली कंसिडर किया है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। और बोर थ्योरी का मतलब हो गया कि अपन ने सिर्फ पार्टिकल नेचर को कंसिडर किया है। तो ये मतलब है अपने पास। तो यहाँ पे चाहो तो लिख लो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट में याद रखने के लिए। यहाँ पर डिराइव करते टाइम क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन कंसीडर मतलब पार्टिकल एंड वेव नेचर बोथ आर कंसीडर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैंने पार्टिकल नेचर भी एज्यूम किया, पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे इसने सिर्फ क्या किया था पार्टिकल नेचर कंसिडर किया था, इसलिए वो प्रूव नहीं कर पा रहा था, ओनली पार्टिकल नेचर कंसिडर्ड, पार्टिकल नेचर इज कंसिडर्ड। तो ये डिफरेंस था दोनों का, तो उसके हिसाब से अपन ने प्रूव कर दिया। अब अपने को ये डिफाइन करना है कि अगर अपन बात करें कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी आर रेडियस के मतलब जो सेल है अगर उसमें रिवॉल्व कर रहा है तो वहां पे अपने पास जो वेव बनाएगा वो जब वेव की तरह बिहेव कर रहा है, अगर वेव की तरह घूम रहा है तो वहां पे कितनी वेव बनेगी किसी पर्टिकुलर सेल में। तो प्रूफ इसका छोटा सा है, अपन दिखा देते हैं। देखो कि नोट डाल के लिख लो चाहो तो,
कि अपने पास यहाँ पे नोट डालना, पहला पॉइंट लिखना, दो तीन पॉइंट, एक दो पॉइंट वो लिखेंगे कि नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन, मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन एनथ सेल, इन एनथ सेल, ठीक है। तो किसी nth सेल में अपने पास एक इलेक्ट्रॉन कितनी वेव बनाएगा अपने को उसकी फाइंड करनी है। तो चाहो तो इसको पूरा लिखते हैं, nth सेल ऑफ r रेडियस, तो अगर सेल की रेडियस अपने पास r है तो जो अपने पास पूरा पाथ रहेगा, अगर उसको अपन सर्कुलर ही अज्यूम करें तो अपने पास जो टोटल लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी अपने पास, 2πr। और एक वेव का लेंथ अपने पास क्या होता है, लैम्डा। तो अपने पास नंबर ऑफ वेव्स कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ वेव्स। तो अपन किस तरीके से निकाल रहे हैं कि अपने पास अगर आर रेडियस का सेल है तो उस सेल को अगर अपन सर्कुलर रिज्यूम कर रहे हैं तो उसमें अपने पास जो है टोटल उस सर्कुलर पाथ की जो लेंथ रहेगी अपने पास रहेगी क्या, 2πr। और अपने को निकालना है क्या, नंबर ऑफ वेव्स। तो ये अपने पास एक तरीके से क्या होगा, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाई वेव लेंथ, दैट इज लेंथ ऑफ वन वेव। तो अपने को क्या मिल जाएगा, उस लेंथ में कितनी वेव बनेगी अपने को ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास आ गया 2πr, अच्छा r। तो अपन क्या कर सकते हैं कि जो अपने पास लैम्डा है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, h अपॉन mv, 2πr अपॉन h अपॉन mv। तो ये mv जो है ऊपर की तरफ जाएगा कि 2πr इनटू mv डिवाइडेड बाय h। तो यहां से अगर तुम देखोगे तो अपने पास जो ये है r into mv, ये अपने पास क्या बन गया, एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम अपन ने अभी देखा था कि अपने पास होता क्या है, ये अपने पास होता है 2πr अपॉन h, ये तो कांस्टेंट है। और mv r अपने पास बन गया एंगुलर मोमेंटम, जिसको अपन लिख रहे कि n into h अपॉन 2πr रहेगा। और n यहाँ पे अपने पास क्या था, एंगुलर मोमेंटम में सेल नंबर। तो यहाँ से देखोगे h से h कैंसिल हो जाएगा, 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास नंबर ऑफ वेव जो आएगा किसके बराबर आ जाएगा, सेल नंबर के बराबर ही आ जाएगा। मतलब अगर अपने पास सेकंड सेल है तो दो वेव बनाएगा, थर्ड सेल है तो तीन वेव बनेगा इलेक्ट्रॉन का, और फोर्थ सेल है तो अपने पास चार वेव बनेगा। इस तरीके से अपने पास चलता जाएगा। तो इसको अगर अपन लिख लें कि नंबर ऑफ वेव इक्वल टू n, दैट इज सेल नंबर या फिर ऑर्बिट नंबर। तो ये तुमको ध्यान रखना है। कि अपने पास जो वेव रहेगा उसका नंबर किसके बराबर रहेगा, ऑर्बिट के बराबर रहेगा। चाहे तुम किसी भी एटम की बात करो, हाइड्रोजन की बात करो या हीलियम आयन की बात करो या लिथियम आयन की बात करो, ठीक है, सबके लिए अपने पास यही रहेगा। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे था कि हाउ मेनी वेव्स आर फॉर्म बाय इलेक्ट्रॉन्स इन सेवेंथ सेल। अगर इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है, सेवेंथ सेल में है, तो अपने पास कितनी बनेगी, सात वेव बनेगी। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक पॉइंट और लिखाना है मेरे को, वो भी लिखवा देता हूं मैं। तो ये तो आसान सा प्रूफ था, इसमें कुछ था नहीं, कि अपने टोटल लेंथ को एक वेव की लेंथ से डिवाइड कर दिया, तो अपने पास प्रूव हो जा रहा है कि अपने पास सेल नंबर के बराबर ही नंबर ऑफ वेव आ जाएगी। अब अगर अपन इसमें सेकेंड पॉइंट जो है वो ऐसा कुछ है कि कभी कभी तुमको क्या बोलता है कि जैसे अपन वहां पे नहीं देख रहे थे, अपन जब रेडियस का फॉर्मूला निकाला था बोर मॉडल के अकॉर्डिंग, तो वहां पे अपने निकाला था रेडियस का फॉर्मूला कि r इक्वल टू अपने पास क्या होता है, 0.529 इनटू n स्क्वायर बाय z, और यूनिट अपन ने देखा था एंगस्ट्रॉम। तो वो कभी कभी तुमको रिलेशन पूछ लेता है, ये तुमने क्वेश्चन देखा भी होगा एक्स वाई जेड करके, मैंने एक दिन बताया भी था कि यहां से अपने पता चल रहा है कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, n स्क्वायर बाय z। ऐसा ही रिलेशन हो तुमसे पूछेगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ को रिलेट करो तुम किसके साथ, एटॉमिक नंबर और सेल नंबर के साथ। कि अगर अपने पास z एटॉमिक नंबर का एटम है और उसके nth सेल के इलेक्ट्रॉन की अगर अपन बात करें, तो जो इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ बना रहा होगा लैम्डा, वो वेवलेंथ को तुम उसको किस तरीके से रिलेट करोगे। तो कभी कभी रिलेशन तुमसे पूछ लेता है कि वेवलेंथ को तुम सेल नंबर और एटॉमिक नंबर के साथ किस तरीके से रिलेट करोगे।
तो अपन ने देखा था कि अपने पास जो वेवलेंथ होती है डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा इक्वल टू अपने पास क्या होता है, एच अपॉन एम वी। तो एक पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए एच तो कॉन्स्टेंट ही है, सबके लिए कॉन्स्टेंट होता हो तो प्लांक्स कॉन्स्टेंट है। मास पे अपने पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो ये भी कॉन्स्टेंट हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है लैम्डा, वो अपने एक तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के। और वेलोसिटी अपने लिखा था कि v इक्वल टू अपने पास क्या होता है 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड बाई एन। मतलब जो v था वो अपने पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जेड बाई एन के। तो अपने पास अपन बोल रहे हैं कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है लेमडा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, v के। और अपने को रिलेशन निकालना है किसके साथ, जेड और एन के साथ। और v जो है अपने पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड बाई एन के। तो अगर 1/v को तुम देखोगे तो 1/v अपने पास क्या जाएगा, n बाई जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जो वेवलेंथ है लेमडा ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, n बाई जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये रिलेशन भी तुमको निकालना आना चाहिए। ऐसे वो कुछ भी पूछ सकता है, जैसे अपने यहाँ पर वेवलेंथ के लिए निकाला, एक बार उसने यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब तुम्हारे टेस्ट वगैरह में आ जाएगा, मतलब जेई का मेरे को ध्यान नहीं तो मैं ऐसा बोल नहीं सकता कि वहां पे पूछा था, कि टेस्ट वगैरह में क्वेश्चन पूछता है कि अगर अपन बात करें, ये तो अपन ने वेवलेंथ को रिलेट कर दिया, तो क्वेश्चन वो कुछ भी पूछ सकता है, बस तुमको एक बार अगर कंसेप्ट बता दिया गया तुमको रिलेट करना आना चाहिए कि अपने पास एक एटम है, ये अपने पास इसका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का चार्ज अपने देखा था क्या होता है, प्लस जेड ई। और ये अपने पास इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज अपने पास क्या हो गया, ई। तो उसने ये पूछा था कि अपने पास जो इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको अपन लिखते हैं कि एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो जो अपने पास के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर है, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये अगर अपने पास मान लो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड की पावर एक्स और एन की पावर वाई, मतलब तुमको वही प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म में निकालना है कि जेड और एन से ये किस तरीके से रिलेटेड है। तो अब यहाँ पे तुमको सोचना पड़ेगा, तो कभी कभी वो ऐसे ही पूछ लेता है, वेवलेंथ के लिए पूछ लिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए पूछ लिया, या कोई वो पैरामीटर दे देगा उसके लिए पूछ लेगा, तो तुमको रिलेट करना आना चाहिए। तो तुम क्या जाओगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के फॉर्मूले के थ्रू ही जाओगे कि अपने पास ये फॉर्मूला है एफ इक्वल टू के, के तो कांस्टेंट है, क्यू वन अपने पास मान लो कि न्यूक्लियस का चार्ज है तो क्या हो जाएगा, प्लस जेड ई। क्यू टू अपने पास मान लो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो क्या हो जाएगा, ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर अगर ध्यान से देखो तो अपने पास क्या है, जिस सेल में इलेक्ट्रॉन है उस सेल का रेडियस। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो K कांस्टेंट है, E अपने पास कांस्टेंट है, Z के साथ अपने को रिलेशन निकालना ही, तो इस जगह से रहेगा, और नीचे अपने पास R स्क्वायर है, और R को भी अपन रिलेट कर सकते हैं कैसे, कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड। तो एक तरीके से पहले तो मैं यहाँ से लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूँ कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि k कांस्टेंट है, इसका z और n से कोई लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ये भी एक कांस्टेंट है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज है, तो इनका n और z से कुछ लेना देना नहीं है। तो z अपॉन r स्क्वायर के अपने पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया f। और r अपन ने देखा अभी कि r अपने पास क्या था, n स्क्वायर बाई z, तो r की जगह चाहो n स्क्वायर बाई z लिख सकते हो। हाँ, तो f इक्वल टू अपने पास z है, सॉरी F is directly proportional to Z upon R square. और Z की जगह अपन लिख सकते हैं N square upon Z का भी whole square. क्योंकि R अपने पास जो था वो N square by Z के directly proportional है. तो अभी तो अपने को R square देखना है, तो उसका भी अपने को square करना पड़ेगा. Free F क्या है सर, repulsion है कि attraction? Attraction. Z square upon N cube. यानी कि तुमको सोचना पड़ेगा ना कि क्या है. सर वो sign nucleus पे करता है. हाँ, तो nucleus में कौन सा charge होता है, positive या negative? Positive. और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव, तो क्या आएगा, नेगेटिव, अट्रैक्शन आएगा, रिपल्शन आएगा, अट्रैक्शन। हाँ, और फोर्स का मैग्नीट्यूड देखोगे तो नेगेटिव आएगा, तभी तो अपने को तो रिलेट करना है ना जेड और एन के साथ, अपने को भी वैल्यू थोड़ी निकालनी है। क्या तुम्हारी आवाज ही नहीं है, तो एन की वैल्यू 4 होगी ना सर, एन तो 4 आएगा। हां हां, एन 4 आएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपने पास रिलेशन हो गया जेड स्क्वायर अपॉन एन की पावर, अच्छा जेड भी क्यूब हो जाएगा ना, पूरा उल्टा। यस सर भाई, यस
जेड क्यू अपॉन एन की पावर 4। तो इस तरीके से रिलेट करा देता हूं, तो ये तुमको समझ में आना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि तुमको अगर वेलोसिटी का निकाला तो वही पूछेगा, तुमने अगर क्लास में सिर्फ डी ब्रोगली वेवलेंथ जैसे मैंने निकलवा दिया है, बहुत लोग तो ये भी नहीं करवाते, तो पूछ कुछ भी सकता है। तो ऐसे अपन हर चीज को नहीं निकाल पाएंगे। वो तुमसे बोल सकता है कि काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करो किसके साथ, एटॉमिक नंबर और सेल नंबर के साथ। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो जेड एटॉमिक नंबर वाले एटम के एनएच सेल में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसको तुमको काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी इलेक्ट्रॉन की उस सेल में, उसको रिलेट करना है जेड और एन के साथ। तो तुम वापस वैसे ही देखोगे, अभी तुमको खुद से करना है, इसमें अपन टाइम नहीं लगाएंगे। क्या हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन हो चाहे कोई भी पार्टिकल हो, काइनेटिक एनर्जी तो क्या लिखी जाएगी, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। तो बेसिक फॉर्मूले से तुमको जाना है। तो एम तो एक बार तरीके से कॉन्स्टेंट हो गया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ, हाँ हाँ बिल्कुल, अगर अपन वेलोसिटी की बात, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का अपने पास फॉर्मूला है। ये अपने रिलेशन निकाला यहाँ पे कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन, और अभी अपने को वी स्क्वायर करना है तो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे कुछ भी पूछ सकता है, तो इस तरह तुमको रिलेट करना आना चाहिए। तो तुमको एकदम बेसिक फॉर्मूले से जाओ जब भी रिलेट करना है, तो क्या क्या चीज जेड और एन से रिलेटेड है उसके हिसाब से तुम सोच सकते हो। तो ये हो गया अपने पास, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो तुम कर पाओगे। और इस टाइप के क्वेश्चन पूछ चुका है वो, एक बार जेई मेंस वालों ने पूछा था और एक बार जेई एडवांस वालों ने पूछा था। पहले जेई एडवांस वालों ने पूछा था, फिर जेई मेंस वालों ने पूछा था, क्योंकि जेई एडवांस वाला नॉर्मली ऐसा होता है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है वो, तो जेई मेंस वाले कर देते हैं। जो जेई एडवांस वाला देता है उसी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके वापस चेक देते हैं। तो ये है अपने पास, क्योंकि एडवांस का पेपर बनाता है आईआईटी कॉलेज, वो ध्यान रखते हैं इन सब चीजों का, और उनको सिर्फ पूरे साल में एक ही पेपर बनाना होता है। अगर एक पेपर, क्या चीज सर, हम डिस्कनेक्ट हो गए, तो यही चीज एक बार और बता दीजिए कि यही वाली। देखो, तो इसमें मैं ये बोल रहा था, अच्छा मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, बाकी लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, तब तक मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो क्वेश्चन अपने पास की इन सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इन सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम जो इलेक्ट्रॉन से अपने पास वो इस वाले एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है, मतलब इस तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है कि जो भी सेल है इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से वेव बनाते हुए चल रहा है। अब अपने को बोला जा रहा है आगे कि इफ इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट फ्रॉम दैट एनर्जी लेवल, जो अपने डायग्राम में दे रखा है दैट एनर्जी लेवल, तो ये तुमको पता करना पहले, तो इस डायग्राम को देख के कौन सा वाला एनर्जी लेवल है, ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1 में आ रहा, देन फाइंड 4 होगा, 4 वेव बन गई, मतलब 4 हो जाएगा। मेरी जान इस तरीके का क्वेश्चन दे देता हूं, तो यहां पे तुमको निकालना है देन फाइंड, कुछ पहला पार्ट है यहां पे जो फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स दैट कैन बी एमिटेड, डिफरेंट फोटॉन्स एमिटेड, डायरेक्ट लिख लो कि कितने डिफरेंट फोटॉन्स यहाँ पे एमिट हो सकते हैं, और इसी को अपन लिख सकते हैं सेकेंड, यहाँ पे लिख लो कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स इन लाइमन सीरीज में कितनी लाइन्स बनेगी, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट लाइन्स इन लाइमन सीरीज। तो ये सवाल करो तुम, तो यहाँ पे वही था कि तुमको ये पता करना था डायग्राम जो गिवन है इसके बेसिस पे कि ये वाला कौन सा एनर्जी लेवल है।
तो यहाँ पे अगर देखोगे तो चार वेव बनेगी। अब तुमको हर बार ऐसे वेव बना के नहीं देखना है, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन एमिटेड, हाँ 6 आएगा। तो ये अपने पास एक वेव हो गई, दो पीक के बीच के डिस्टेंस, ये अपने पास दूसरा वेवलेंथ आएगा, तो दो वेव, ये अपने पास तीसरा वेवलेंथ हो गया, तो तीन वेव, ये चौथा वेवलेंथ हो गया, मतलब यहाँ पे टोटल चार वेव बन रही है। तो हर बार तुमको इस तरीके से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तुम नंबर ऑफ पीक की काउंट कर लो, एक दो तीन चार, जितने पीक बनेंगे उतनी ही उनके बीच वेव्स भी बनेगी। तो जब भी इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन दिया तो तुमको सिर्फ उसमें कितने पीक है वो देख लेने हैं। तो चार पीक बन रहे थे, मतलब यहाँ पे जो ये एनर्जी लेवल है कौन सा है, फोर्थ एनर्जी लेवल है, मतलब इलेक्ट्रॉन सभी एन इक्वल टू फोर में प्रेजेंट है। वे बोल रहा है कि फोर से कहाँ पे गया है, ग्राउंड स्टेट, दैट इज एन इक्वल टू वन। तो एन इक्वल टू फोर से इलेक्ट्रॉन्स जो है एन इक्वल टू वन में जा रहा है, मतलब जा रहे हैं काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि वो सैंपल की बात कर रहा है। अब अपने से पूछा गया कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स कितने आएंगे। तो जब अपन सैंपल की बात करते थे तो मैंने फॉर्मूला बताया था डायरेक्ट कि एन टू माइनस एन वन इंटू एन टू माइनस एन वन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। और लाइमन सीरीज की अपने को लाइन निकालनी है, तो अपने फॉर्मूला लिखा था कि हायर एनर्जी लेवल से अपने पास हायर एनर्जी लेवल जो भी है एन टू उसमें से वन माइनस, लेकिन कंडीशन ये कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड एनर्जी लेवल में आना चाहिए। तो फोर माइनस वन करोगे तो अपने पास तीन लाइन आ जाएगी उसकी भी, क्योंकि ग्राउंड एनर्जी लेवल में तो आ ही रहा है, मतलब लाइमन सीरीज की लाइन तो बनेगी ही बनेगी। सर उतनी ही उसमें क्या बनेगी, वेव भी बनेगी। हाँ सर ठीक है, मतलब फोर्थ सेल है तो चार वेव, मतलब चार वेव बन रही, मतलब फोर्थ सेल है वो। हाँ तो काइनेटिक एनर्जी वाले में ये बता रहा था देखो कि जैसे अपन ने यहाँ पे निकाला था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो है एटॉमिक नंबर और सेल नंबर के साथ क्या रिलेशन रहेगा, जैसे अपने निकाला कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड क्यू अपॉन एन की पावर 4। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे अपने पहले अपने डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए निकाला था, फिर अपने फोर्स के लिए निकाला, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के लिए अपने निकाला, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। और मैं ये कह रहा था कि यही चीज तुमको किसी भी पैरामीटर के लिए पूछ सकता है, वो तुमसे पूछ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी को रिलेट कर दो सेल नंबर और एटॉमिक नंबर के साथ। तो तुमको जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसी के थ्रू जानना होता है कि काइनेटिक एनर्जी अपने पास क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है और हाफ तो अपने पास वैसे ही फिक्स है। तो अपन देख सकते हैं कि अलग अलग एटम में अलग अलग सेल में जो है इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी अलग अलग रहेगा, तो मैं बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। और अपन ने बात किया था कि वेलोसिटी जो होता है अपने पास क्या होता है, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड बाई एन, मतलब जो v है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, जेड बाई एन के। तो अपने पास यहाँ पे v स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी, तो हम क्या लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z और n से रिलेट करना है तो z बाय n का होल स्क्वायर, मतलब z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो इस तरीके से तुमको रिलेट करना होगा, अगर कोई भी पैरामीटर दे देता है तो उसके जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसके थ्रू ही तुमको जाना है, और उस फॉर्मूले में तुमको देखना है कि क्या क्या चीज है जो z और n से रिलेटेड है। अभी क्लियर है क्या? तो ये अपने पास क्वेश्चन था, तो इसमें एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि वो अपने को ये बोल रहा है कि अपने पास एक सैंपल है हाइड्रोजन एटम्स का, मतलब वहां पे अपने पास काफी सारे हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है और हर एटम अपने पास इस वाले एनर्जी लेवल में है। इस तरीके से उसने रिप्रेजेंट किया एनर्जी लेवल को, क्योंकि अपन ने देखा कि यहाँ पे चार वेव बन रही है। मैंने देखा बोला कि वेव कैसे अपन फाइंड करेंगे, सिर्फ पीक काउंट कर लो तुम कि एक दो तीन चार, चार पीक बन रहे हैं तो चार पीक के बीच चार ही वेव बनेगी, मतलब इस सेल में अगर अपने पास चार वेव बन रही है इसका मतलब इस सेल नंबर कितना है, फोर है। तो फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन्स थे,
फोर्थ सेल तो किसमें आ रहे हैं, ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट मतलब एन इक्वल टू वन में। तो इलेक्ट्रॉन जो है फोर्थ एनर्जी लेवल से अपने पास फर्स्ट में आ रहे हैं इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स सिंपल। अब ने पूछा टोटल कितने डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन्स आएंगे, डिफरेंट फोटॉन्स आएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन अपने को निकालने का फॉर्मूला है, मैं पहला ऑप्शन बना के लिख दे रहा हूँ सिर्फ, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट लाइन्स। तो एन टू अपने पास हो गया फोर माइनस एन वन, तो फोर माइनस वन, एन टू माइनस एन वन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, तो सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, तो ये अपने पास आ जाएगा कितना सिक्स, ये तो आगे टोटल डिफरेंट फोटॉन्स n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 divided by 2 से। दूसरा पूछा है कि लाइमन सीरीज में कितनी लाइन बनेगी, तो नंबर ऑफ लाइंस बिलोंग्स टू लाइमन सीरीज से कितनी लाइन बिलोंग करेगी। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कि अपने पास क्या है, हायर एनर्जी लेवल जो भी है n2 उसमें से माइनस वन कर दो, लेकिन कंडीशन ये थी कि अपने पास लाइमन सीरीज तब बनती है जब अपने पास इलेक्ट्रॉन एन इक्वल टू वन में आता है। तो यहाँ पर तो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, मतलब एन इक्वल टू वन में आ रहा है, तो लाइमन सीरीज की लाइंस बनेगी, और बनेगी तो कितनी बनेगी, हायर एनर्जी लेवल अपने पास कितना है फोर, उसमें से वन माइनस किया तो फोर माइनस वन अपने पास आ गया क्या थ्री, तो तीन लाइन अपने पास लाइमन सीरीज की रहेगी और टोटल अपने पास छह लाइन्स रहेगी। तो इस तरीके से तुमको इंडिकेट किया जा सकता है कि अपन कौन से सेल की बात कर रहे हैं ऐसे वेव रिप्रेजेंटेशन देके इलेक्ट्रॉन का, तो जितनी वेव बन रही है उतना उसका सेल नंबर है। तो ये था अपने पास डी ब्रोगली वेवलेंथ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। डायग्राम से बता देंगे नंबर ऑफ लाइंस बिलोंग्स टू लाइमन सीरीज क्या जी? आवाज नहीं आई तो मेरी, डायग्राम से बता देंगे। अरे डायग्राम अपने एग्जांपल जब पढ़ा था तब भी तो फोर का लिया था कि अपने पास फोर है, उसके में थ्री भी आएगा, बीच में टू भी आएगा, और बीच में अपने पास वन भी आएगा। तो अपने को डिफरेंट लाइन से तो देखनी है, तो अपने वही तो देखा था कितने पाथ आएंगे, तो अपन देख सकते कि फोर से वो क्या आ जाए वन में आ जाए, थ्री से अपने पास क्या आ जाए वन में आ जाए, टू से अपने पास क्या आ जाए वन में आ जाए, तो लाइमन सीरीज की तीन लाइन आएगी, ये पॉसिबल है। इसी तरह बाल्मर देखो तो फोर से आ रहा तो फोर से टू में आएगा, और थ्री से टू में आएगा, तो बाल्मर सीरीज की दो बनेगी। और पास्टन सीरीज में देखोगे तो अपने पास फोर से थ्री में आएगा, बस एक ही पॉसिबिलिटी है कि अपने पास पास्टन होगी, तो यही छह लाइन बनी रही है। और फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे तब भी वही आएगा कि यहाँ पे अपन क्या लिख रहे थे एन टू माइनस वन, तो फोर माइनस वन थ्री। बाल्मर के लिए अपन क्या लिखते हैं n2 माइनस टू, फोर माइनस टू टू, देखो दो ही लाइन आ रही। पास्टन के लिए अपन क्या लिखते हैं n2 माइनस थ्री, दैट इज फोर माइनस थ्री, तो ये वन। तो तीन अपने पास लाइमन की है, दो अपने पास बाल्मर की है, एक अपने पास पास्टन की है, तो टोटल हो गई छह। समझ में आएगा? अरे क्लियर है? हाँ, तो बार बार अपने को ऐसा नहीं सोचना पड़े, क्योंकि फोर से वन तक तो सोचना आसान है, लेकिन जब काफी ज्यादा एनर्जी लेवल दे देगा तो फिर तुमको गिनना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स यूज करके। तो ये था अपने पास डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। तो अपन ने बोर मॉडल तक इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना, फिर डी ब्रोगली आया, उसने कहा कि नहीं पार्टिकल नहीं होता, उसमें वेव नेचर भी होता है। तो अपन यहाँ तक पहुंच गए कि इलेक्ट्रॉन के पास दोनों नेचर है। अब जो अगले कंसेप्ट अपने पास आने वाला है जीमान इफेक्ट, तो ये किस चीज को बताता है, ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि जो बोर अपने पास बोल रहा है ना कि क्योंकि बोर ने अभी तक यही तो बोला था कि अपने पास न्यूक्लियस होता है और वहां पे सेल होते हैं, कि पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होते रहते हैं, एनर्जी अपन देते तो ऊपर चलाया जाएगा, और अगर एनर्जी तुम बंद कर दोगे तो वापस ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो लेकिन जीमान इफेक्ट अपन ने पास क्या है, पहले तो इसकी बात करते फिर अपन डिस्कस करते इसको आगे, क्योंकि अभी रिलेट नहीं कर पाओगे तुम जो बताना चाह रहा हूँ उसको। तो ये क्या है पहले अपन इसको देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल जब अपन समझते हैं
कि जैसे अपने पास मान के चलो एक हाइड्रोजन एटम है, तो ये एक हाइड्रोजन एटम है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन था अपने पास ये सेकंड सेल में था, तो इलेक्ट्रॉन जो है अपने पास n इक्वल टू 2 में प्रेजेंट है, और ये अपने पास n इक्वल टू 1 एनर्जी लेवल है। तो अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में आता है तो सिर्फ एक ही लाइन बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है, 2 से 1 में आने का एक ही तरीका है, सीधा 2 से 1 आएगा, तो सिर्फ एक लाइन बनेगी अगर अपन अभी तक जो पढ़ा उसके बेसिस पर अपन बात करें, ठीक है, क्योंकि अभी अपन सिर्फ सेल की बात कर रहे थे कि पहला सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, चौथा सेल है। लेकिन जीमान ने क्या किया कि ये जो अपने पास इस तरीके से एक लाइन दिख रही थी, इसने क्या कर दिया, इस हाइड्रोजन एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, या फिर इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया। वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने के बाद इसने देखा कि ये जो लाइन है ना, एक लाइन जो ये अपने पास आ रही है, वन स्पेक्ट्रल लाइन, तो अपने पास जो ये लाइन है, ये लाइन अपने पास क्या हो जा रही, स्प्लिट हो जा रही, और लाइंस पे टूट जा रही है। तो जब उसने क्या किया, इस हाइड्रोजन एटम को कौन है, हाँ, इस हाइड्रोजन एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उसने देखा कि जो एक लाइन थी, लाइन और लाइंस में ब्रेक हो जा रही है, मतलब इसके अंदर अभी और भी लाइंस हैं। तो वो लाइंस क्या हैं, तो अगर उनको अपन बनाए तो ऐसा कुछ हो रहा है कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, कि जब इस एटम के ऊपर क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया, तो उसने देखा कि यहाँ पे एक लाइन नहीं थी, एक्चुअल में चार लाइन बन रही है। तो उसने देखा कि अपने पास जो है n इक्वल टू 1 पहले सेल में, दूसरे सेल से टोटल चार लाइंस आ रही है, तो टोटल चार लाइन आ रही है, उसका मतलब ये कि वहां पे अपने पास सेकंड सेल में जो है चार एनर्जी लेवल होने चाहिए। तो ये अपने पास हो गया 2s, सॉरी चार एनर्जी लेवल होने चाहिए, तो अपन इस तरीके से चार एनर्जी लेवल दिखा देते हैं, बनेगा नहीं ऐसे। सर ये प्रिज्म से पास करने के बाद जो रेडिएशन है उसको कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में? हाँ हाँ हाँ, एकदम एकदम, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस अपन रेडिएशन प्राप्त कर रहे हैं, मतलब प्रिज्म से पास करके स्पेक्ट्रम देख रहे हैं उसका। तो उसने बोला कि अपने पास जो पहले अपन सेकंड सेल से इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट सेल में लेके आ रहे थे, सिर्फ अपने को एक स्पेक्ट्रल लाइन दिख रही थी इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब उसने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो उसने देखा कि ये एक लाइन नहीं है, यहाँ पे एक्चुअल में चार लाइन अपने को मिल रही है। तो ऐसे उसको चार लाइंस मिली कि सेकंड सेल से जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में आता है तो अपने को चार लाइन टोटल दिख रही है। तो ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि जो अपने पास सेकंड सेल था n इक्वल टू 2, इसमें भी और भी एनर्जी लेवल्स है, मतलब उसमें और भी डिफरेंट लेवल्स है एनर्जी वाइज अगर अपन बात करें तो। तो यहीं से आइडिया आया कि अपने पास सेल के अंदर भी क्या होते हैं, सब सेल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे पता चला कि अगर n इक्वल टू 2 में सिर्फ जो सेकंड सेल है अपने पास, इसमें अगर सिर्फ एक ही एनर्जी लेवल होता, एक ही टाइप का एनर्जी लेवल होता, तो अपने को एक ही लाइन मिलनी चाहिए थी 2 से 1 में आने पे। लेकिन जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो अपने पास जो एक लाइन थी वो चार लाइन में कन्वर्ट होगी। इसका मतलब क्या है कि वहां पे भी और भी डिफरेंट एनर्जी लेवल है सेकंड सेल में, जिनको अपन कंसिडर नहीं कर रहे। तो फिर इसको एक्सप्लोर किया गया, इसके ऊपर स्टडी किया गया, तो फिर बोला गया कि अपने पास जो सेल होता है ना, जैसे सेकंड सेल है अपने पास, तो सेल के अंदर भी क्या होता है, सब सेल्स होते हैं। तो सेकंड सेल के लिए बोला गया कि यहाँ पे अपने पास क्या होते हैं, दो सब सेल होते हैं, एक 2s एक 2p, और फिर सब सेल को भी आगे क्लासिफाई किया गया किसमें, ऑर्बिटल्स में, कि जैसे ए सब सेल है तो इसमें एक ही ऑर्बिटल रहेगा, और ये 2p है तो अपने पास यहाँ पे तीन ऑर्बिटल रहेंगे। तो बेसिकली अपने पास क्या है कि ये ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। हो सकता है कि अपने पास क्या है, काफी ज्यादा हाइड्रोजन अगर तुम ले लोगे तो हो सकता है किसी हाइड्रोजन में सेकंड सेल में है लेकिन सेकंड सेल के 2s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, किसी हाइड्रोजन एटम अपने पास 2px ऑर्बिटल में है, किसी में अपने पास 2pz ऑर्बिटल में है, और किसी में इलेक्ट्रॉन जो है अपने पास 2py ऑर्बिटल में है।
तो ये अपने पास चार एनर्जी लेवल है, इस वजह से अपने पास क्या है, चार लाइन अपने को मिल रही है, एक्चुअल में एक लाइन वहां पे नहीं है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में लाइन क्या करी स्प्लिट क्यों हो गई मैग्नेटिक फील्ड? अरे मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इसकी एनर्जी कम ज्यादा हो जाएगी ना यार इलेक्ट्रॉन्स की। देखो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, ये भी सर सवाल सही है तुम्हारा, एक तो डाउट ये भी आना चाहिए था जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सर 2px 2py और 2pz इन तीनों की तो एनर्जी सेम रहेगी, तो मैं उसी से रिलेट कर देता हूं इसको, 2px 2py 2pz। तो तुम्हारा एक डाउट तो आना चाहिए था कि सर 2px 2py अगर 2pz तीनों की एनर्जी सेम है तो वहां से अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऑर्बिटल से तो तीनों की एनर्जी सेम है, तो इसलिए एनर्जी डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास एक ही लाइन दिखनी चाहिए थी अपने को, तीनों में से आए, चाहे 2px से आए, चाहे 2py से आए, चाहे 2pz से आए, क्योंकि सब तीनों सेम एनर्जी के ऑर्बिटल है। तो जो अपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है उसकी वजह से होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एक वेक्टर होता है, या आगे अपन जो स्टार्क इफेक्ट देखेंगे तो स्टार्क ने भी सेम चीज किया था, उसने मैग्नेटिक फील्ड यूज नहीं किया था, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया था, और जीमान ने अपने पास क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड यूज किया था, और दोनों में सेम तरीके की ही स्प्लिटिंग आ रही है। तो अपन यहाँ पे जो चीज पढ़ रहे हैं उसी को अपन बोल देंगे कि स्टार्क के केस में इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग हो रही है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने पास जैसे मान लो कि पी एक्स ऑर्बिटल है, तो अपने देखा था कि पी एक्स ऑर्बिटल अपने पास एक तरीके से एक्स एक्सिस में होगा या एक्स डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा, पी वाई है तो वाई एक्सिस के अलोंग रहेगा, और अगर अपने पास क्या है पी जेड है तो पी जेड अपने पास जो रहेगा ये जेड एक्सिस के अलोंग रहेगा। अब अगर तुम क्या करते हो कि मैग्नेटिक फील्ड किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से लेके आओगे, अगर मान लो कि मैं मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्स और वाई एक्सिस के बीच से लेके आ रहा हूँ, एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, तो जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड आ रहा हो अपने पास एक्स और वाई के बीच में आ रहा है, तो एक्स वाले इलेक्ट्रॉन पे अलग फर्क पड़ेगा, वाई वाले इलेक्ट्रॉन पे अलग फर्क पड़ेगा, तो उनकी एनर्जी अलग तरीके से चेंज होगी और वाई वालों की अलग तरीके से चेंज होगी, इसी तरीके से जेड वालों की भी क्या होगी अलग तरीके से चेंज होगी। तो ये हो रहा है अपने पास, क्लियर हुआ क्या ये कि मैग्नेटिक फील्ड का जो है, मैग्नेटिक फील्ड का जो है 2px के इलेक्ट्रॉन्स पे अलग एनर्जी रहेगी, मतलब अलग इफेक्ट रहेगा, 2py वालों पे अलग रहेगा और 2pz वाले इलेक्ट्रॉन पे अलग इफेक्ट रहेगा, बट उनके एनर्जी जो होगी अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी बढ़ा देगी सर इन इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब ये वही तो बोल रहे हैं अपन। हाँ देखो वो डिपेंड करता है, अपने पास इलेक्ट्रॉन क्या है नेगेटिव चार्ज है, अगर तुमने क्या किया है कि मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट किया वो नेगेटिव चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, नेगेटिवली चार्ज्ड मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये जब मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा, एक्स के इलेक्ट्रॉन्स को अलग तरीके से रिपेल करेगा, वाई के इलेक्ट्रॉन्स को अलग तरीके से रिपेल करेगा, जेड के इलेक्ट्रॉन्स को अलग तरीके से रिपेल करेगा, और डिपेंड करेगा कि किस डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन अप्रोच सॉरी मैग्नेटिक फील्ड अप्रोच कर रहा है। अगर मैं बोल दूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अपने पास एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, अगर मैं बोल दे रहा हूँ कि अपने पास मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है वो अपने पास एक्स के अलोंग आ रहा है, तो इसके तो एकदम सामने आएगा, मतलब इस जहां पे ये एक्स के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके तो एकदम आमना सामना हो गया, जेड का जो है इनके तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और वाई जो है वो जेड भी अपने पास क्या रहेगा एक तरीके से परपेंडिकुलर ही रहेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड अपने पास बीच से लिखते अपन मैग्नेटिक फील्ड को एक्स डायरेक्शन के अलोंग आ रहा है, तो एक्स डायरेक्शन के अगर अलोंग आ रहा है तो एक्स के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर उसका सबसे ज्यादा रिपल्सन आएगा, मतलब उसका एनर्जी जो होगा सबसे ज्यादा बढ़ेगा, वाई अपने पास क्या है परपेंडिकुलर है तो उतना नहीं आएगा, जेड भी अपने पास परपेंडिकुलर है जितना अपने पास एक्स है। क्या वेटिंग रूम में साथ कोई है? अच्छा तो अपन ये बोलना चाह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा ऑर्बिटल्स का एनर्जी चेंज होगा, और अगर एनर्जी चेंज होगा वो डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन से आ रहा है, और उस इनकमिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन आ रहा तो किस पे ज्यादा रिपल्सन आ रहा है किस पे कम रिपल्सन आ रहा है, एस का इलेक्ट्रॉन है तो उस पर कितना आ रहा है, पी एक्स का इलेक्ट्रॉन है तो उस पर कितना आ रहा है, पी वाई का इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, क्या चीज एक बार प्रिज्म वाला डायग्राम बना के बता दीजिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनाएंगे थोड़ा सा सर रफली।
प्रिज्म वाला डायग्राम, अरे तुमको मैग्नेटिक फील्ड पता नहीं ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तुमने एक फील्ड क्रिएट कर रखा है मतलब जिसमें अपने पास क्या हो रहा है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स को तुम पास कर दो कहीं से, तुम इससे ज्यादा अच्छे समझ पाओगे, उसमें नहीं होगा। देखो यहाँ पे अपने पास क्या था, ये अपने पास सेकंड सेल था, तो यहाँ पे अपने पास 2sp था, 2p था, यहाँ पे भी था होता, पर उसको पहले देख नहीं पा रहे थे, और इसको देख नहीं पा रहा था क्यों, क्योंकि s और p में जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो काफी कम होगा, इस वजह से जो लाइन्स आ रहे थे लगभग सेम ही वेवलेंथ की होगी, तो ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था, कि यहाँ पे भी अपने पास होंगे तो क्या चार एनर्जी लेवल ना, अगर सेकंड सेल की मैं बात कर रहा हूँ तो एक 2s ऑर्बिटल रहेगा और तीन अपने पास 2p ऑर्बिटल रहेंगे, दैट इज 2px 2py 2pz। तो जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तो तब इनकी एनर्जी जो है ज्यादा डिफरेंस नहीं था, तो जो वेवलेंथ आ रही थी अपने पास उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। जैसे मान लो कि अपने पास यहाँ पे आया 122 नैनोमीटर का, तो अगर यहाँ पे अपन एनर्जी वाइज बात करते अपन क्या लिखते हैं कि 2s का एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगा और 2px जो है, 2py जो है और 2pz जो है, इनका एनर्जी सेम रहेगा, क्योंकि सारे अपने पास क्या है एक ही सबसेल में है और एक सबसेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है, तो 2ps का एनर्जी कम रहेगा और 2py का एनर्जी ज्यादा रहेगा। तो मान लो कि s से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था 2s से, उसका वेवलेंथ था मान लो कि 122 नैनोमीटर, और n से जो आ रहा था उसका अपने पास वेवलेंथ था कितना, 122.5 नैनोमीटर। तो अभी बंद तो एक्चुअल में दो ही लाइन रही थी, एक यहां से आ रही थी इलेक्ट्रॉन जब, और एक बार इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा था तब, लेकिन उन दोनों में वेवलेंथ का डिफरेंस इतना कम है कि अपन उनको डिफरेंशिएट कर ही नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे मैग्नेटिक फील्ड अपन ने अप्लाई किया तो इनके बीच जो एनर्जी गैप है ना वो ज्यादा हो गया। अब एनर्जी गैप ज्यादा हो गया तो वेवलेंथ में डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट हो गया, कि जैसे अपने पास क्या हुआ, अपन ने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ये चारों ऑर्बिटल अलग अलग एनर्जी के बन गए, 2s का एनर्जी अलग हो गया, 2px का अलग हो गया, 2py का एनर्जी अलग हो गया, 2pz का एनर्जी अलग हो गया। तो जो एनर्जी डिफरेंस रहेगा पहले सेल के साथ वो भी अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि पहले सेल में तो अपन जानते हैं कि एक ही ऑर्बिटल होता है 1s ऑर्बिटल। तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो एनर्जी डिफरेंस है इनके बीच वो ज्यादा हो जाएगा, इस वजह से जो वेवलेंथ अपने पास आएगी उनमें भी तुमको क्या दिखना पड़े लगेगा, डिफरेंस दिखने लगेगा, तुम देख पाओगे उसको कि चार लाइन्स अपने पास आ रही है। कुछ क्लियर हुआ क्या अभी? अरे कुछ क्लियर हुआ कि ऐसे कंफ्यूज हो गए इसमें? थोड़ा थोड़ा सर। अच्छा थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, देखो इसको दोबारा अपन बताते हैं एक बार फिर, लिखवा दीजिएगा सर इसको भी। देखो दोबारा बता रहा हूँ, हाँ लिखवा दीजिए। अपन क्या बोलना चाह रहे हैं, दो केस में अपन कंपेयर करना चाह रहे हैं इसको, देखो कि इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो अपने जो चीज पता ना उसको यूज करके अपन देखो इसे पढ़ते हैं। तो इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में अपन बात कर रहे हैं, तो जैसे अपन बोलते थे कि सेकंड सेल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो n इक्वल टू 2 से अपने पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और अभी अपन क्वांटम नंबर पढ़ चुके हैं, तो अपने बताया कि सेकंड सेल मतलब यहाँ पे 2s ऑर्बिटल भी है और 2p ऑर्बिटल भी है, तो 2p सब सेल में तीन ऑर्बिटल होते हैं, दैट इज 2px 2py एंड 2pz, ठीक है। और अपने को पता है n प्लस l रूल से कि 2s का एनर्जी कम होगा और 2px 2py 2pz इन तीनों का एनर्जी तो इक्वल रहेगा, लेकिन 2s का एनर्जी 2p वाले ऑर्बिटल से कम रहेगा, ये सब अपने को पता है। तो एक्चुअल में इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तब भी यहाँ पे क्या है, दो टाइप के एनर्जी लेवल है, एक 2s और एक 2p, लेकिन अभी मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में यहाँ पे डिफरेंस बहुत कम है दोनों एनर्जी लेवल में। अब अपन बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने पास आ रहे हैं कहाँ पे, 2 से 1 में, तो एक्चुअल में अभी भी एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या हो रहा हुआ, दो फोटोन आ रहे होंगे डिफरेंट, लेकिन इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा नहीं है, इस वजह से दोनों फोटोन आएंगे लगभग सेम वेवलेंथ के आएंगे, कि एक अपने पास मान लो कि 122 नैनोमीटर का, एक अपने पास 122.5 नैनोमीटर का है, तो पहले अपन इनको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अपन ने मान लिया कि दोनों ये एक ही लाइन है थी, ये वास्तव में तब भी अलग अलग, तो ये
एक ही दिख रही थी इसलिए उसने बोला कि अपने पास जैसे सेकंड सेल है तो वहां पे अपने पास उसकी एक ही चीज प्रेजेंट है, वहां पे इस तरीके से अलग अलग नहीं है, सब सेल वगैरह कुछ नहीं है, बोर ये मान के चल रहा था। लेकिन जैसे अपन ने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो जैसे अपन ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो अपने पास क्या हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट 2s वाले ऑर्बिटल पे अलग आएगा, 2px वाले पे अलग आएगा, 2py वाले पे अलग आएगा, 2pz वाले पे अलग आएगा। तो ये चारों के एनर्जी ही क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो एक अपने पास 2pz हो गया, एक अपने पास 2py हो गया, एक अपने पास 2px हो गया, अपने पास मान लो कि 2s हो गया। ये सब अपने पास प्रेजेंट है किसमें, n इक्वल टू 2 सेकंड सेल में, और ये अपने पास आ रहा है कहां पे, n इक्वल टू 1 में। तो यहां पे जो 2s से मान लो कि 1s में आ रहा है, उसका वेवलेंथ मान लो कि अपने पास आ रहा है कितना, 121 नैनोमीटर, या तो मान लो वही 122 नैनोमीटर। अब एनर्जी डिफरेंस बढ़ गया तो यहाँ पे जो वेवलेंथ आएगी कम होती जाएगी, तो इसका अपने पास आएगा कितना मान लो कि 121 नैनोमीटर, या और कम कर लो चाहो तो, ताकि समझ में आए अपने को। इसका मान लो कि आ रहा 115 नैनोमीटर, तो यहां से यहाँ आ रहा उसका अपने पास आ रहा 110 नैनोमीटर। जो यहाँ से यहाँ आ रहा है इसको मान लो कि अपने पास 100 नैनोमीटर, मतलब सेम चीज यहाँ पे भी प्रेजेंट थी, बस अपन इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे स्पेक्ट्रम में। लेकिन जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगाया अपन ने, तो ये सारे एनर्जी लेवल क्या हो गए, एकदम अलग अलग ही हो गए, जो सब सेल थे वहां पे जो ऑर्बिटल्स थे। तो अपने पास एक लाइन जो दिख रही, तो एक तरीके से चार चार लाइन दिखने लगी उसकी बजाय। अभी क्लियर हुआ क्या कुछ? Yes, sir. सर, अगर ग्राउंड स्टेट वाले एनर्जी लेवल की वैल्यू चेंज करेंगे उसको, मतलब 2 या 3 रखेंगे, तो सर ऑर्बिटल्स उसमें भी हो जाएंगे, तो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक ही ऑर्बिटल में सब जाएंगे? तो देखो एक्चुअल में अपने को पता है ना, अपन ने क्वांटम नंबर पढ़ चुके हैं कि एटम के अंदर सिर्फ सेल नहीं होता है, सेल के अंदर सब सेल भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन वास्तव में ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट होते हैं। तो जो ट्रांजिशन हो रहा है वो ऑर्बिटल टू ऑर्बिटल ही हो रहा है, ट्रांजिशन तो वही हो रहा है। लेकिन इस चीज को बोर नहीं समझ पाया था, ये बाद में पता चली। तो बोर ने तो सिर्फ क्या बोला था कि अपने पास जैसे अपन सेकंड सेल की बात कर रहे हैं, तो वहां पे सिर्फ एक ही एनर्जी लेवल है, उसको मानता ही नहीं था, मतलब उसको तो पता ही नहीं था ये कि सब सेल भी रहेंगे ऑर्बिटल भी रहेंगे। तो उसने वही बोला था कि अगर 2 से 1 में आ रहा है तो एक एनर्जी लेवल अपने पास 2 हो गया, एक एनर्जी लेवल अपने पास 1 हो गया। तो 2 से 1 में आने का सिर्फ एक तरीका है। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो तब समझ में आया कि अपने पास यहाँ पे एक लाइन नहीं थी, वास्तव में 4 लाइन थी। और फिर स्टडी वगैरह किया गया, तब बोला गया कि सेल के अंदर सब सेल्स होते हैं, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, और वास्तव में जो ट्रांजिशन हो रहा है वो ऑर्बिटल टू ऑर्बिटल हो रहा है, ना कि सेल टू सेल। लेकिन जब अपन मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रहे थे, तब ये जो यहाँ से 4 वेव बन रही थी या 4 वेवलेंथ जो बन रही थी, उनमें वेवलेंथ वाइज डिफरेंस इतना कम था कि अपन उसको देख ही नहीं पा रहे थे। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लगाते एनर्जी डिफरेंस वगैरह बढ़ गया, तो अपन क्लियरली उस पिक्चर को देख पा रहे, उसको अपन देख पा रहे, मतलब एक तरीके जिसने जूम कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड लगाते ही लाइन्स के बीच का डिफरेंस अपने को दिखने लग गया, और कुछ नहीं है। तो ये था अपने पास, अभी थोड़ा आइडिया हुआ क्या कुछ? सर, हम ये नहीं पूछ रहे थे, हम ये पूछ रहे थे जैसे आपने लोअर एनर्जी शेल की वैल्यू 1 ली है, उसे N1 में आ रहा है। हाँ नहीं, तुम्हारे कहने का मतलब ये है ना कि मैं समझ रहा हूँ, मैंने वो तो इजीली समझ में आया, स्टेपन ही लिया है कि जैसे मान लो कि अपने पास होता क्या, चलो ये भी देख लेते कि n इक्वल टू 3 है, थर्ड सेल है, तो अपने को बताया कि यहाँ पे क्या होता है, 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है। यहाँ पे अपने पास एक ऑर्बिटल है, यहाँ पे अपने पास 3 ऑर्बिटल है, और यहाँ पे अपने पास 5 ऑर्बिटल है। तो टोटल अगर देखो तो अपने पास कितने हो गए, 9 ऑर्बिटल्स हो गए। तो अपने पास सेकंड सेल, सॉरी थर्ड सेल, मतलब अपने पास टोटल 9 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। तो ये 9 डिफरेंट लेवल्स तो इसी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो थर्ड सेल में जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इन 9 में से कहीं भी हो सकता है। ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में बात कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे देखोगे तो एस में एक इलेक्ट्रॉन है, पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, इन तीनों का एनर्जी सेम रहेगा, इन पांचों का एनर्जी भी सेम रहेगा। तो
एक तरीके से अपने पास 3s का एनर्जी सबसे कम है, 3p का ज्यादा है, 3d का और ज्यादा है, तो तीन ही टाइप के एनर्जी लेवल है इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लगाते इन सबकी भी एनर्जी अलग अलग हो जाएगी। और अगर मान लो कि n इक्वल टू 2 में आ रहा है, तो n इक्वल टू 2 मतलब अपने पास सेकंड सेल है, और सेकंड सेल अपने पास यहाँ पे 2s है और 2p है, 2s मतलब एक ऑर्बिटल, 2p मतलब अपने पास तीन ऑर्बिटल, तो टोटल अपने पास कितने हो गए, 4। तो अगर मैं सेकंड सेल की बात करता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में वहां पे 4 डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है। तो अपन जो बोलते हैं ना कि सेल अपने पास 3 से 2 में आ रहा है, तो अपन तो बोलेंगे 3 से 2 में आने का सिर्फ एक तरीका है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में तो अपने पास क्या है कि 3 में भी 9 डिफरेंट पॉसिबिलिटी हो सकती है, और 2 में भी अपने पास 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो एक्चुअल में अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में देखोगे, तो यहाँ पे जितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना, उतनी डिफरेंट लाइंस तुमको दिखेगी। सर तो फिर सर जो पहले हम लोग ने पढ़ा सर, वो तो हम लोग एक ही मान रहे थे। तो वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि बोर ने सिर्फ सेल माना था, उसने सबसेल ऑर्बिटल नहीं माना। तो सबसेल और ऑर्बिटल का डिस्कवरी यहीं से हुआ ना यार, जब उसने देखा कि अपने पास स्पेक्ट्रम में और भी लाइन्स आ रही है, तो वो कहाँ से आ रही होगी, जिसको अपन एन इक्वल टू 3rd सिर्फ एक एनर्जी लेवल मान रहे हैं, वो एक एनर्जी लेवल नहीं है, उसके अंदर अभी और भी एनर्जी लेवल्स है, मतलब उसको भी फर्दर स्प्लिट किया जा सकता है। इसी तरीके जो n इक्वल टू 2 जिसको अपन सेकंड सेल मान रहे हैं, मतलब वहां पे सिर्फ एक एनर्जी लेवल नहीं है, उसको भी अभी और भी स्प्लिट किया जा सकता है। तो स्प्लिट किया तो वहीं से तो अपने आइडिया लगाया कि सेल के अंदर सब सेल रहेगा और उसके अंदर भी क्या रहेंगे, ऑर्बिटल्स रहेंगे। सर फिर रिडबर्ग इक्वेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं कि वो ऑर्बिटल को भी कंसीडर करे? नहीं, रिडबर्ग इक्वेशन सेल टू सेल है, जो भी अपन ने पीछे पढ़ा वो सब सेल टू सेल है। ओके सर, ये क्लियर हुआ क्या तुमको? Yes, sir. हाँ. तो इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं भी जा सकता है। हाँ, तो देखो अपन जो बोल रहे हैं कि अपने पास अलग अलग, यही तो अपन ने पढ़ा है ना, देखो कि जैसे मैं तुमको बताऊं कि अपने पास सेकंड सेल है, तो सेकंड सेल अपने पास यहाँ पे एक तरीके से एक बार फिर देख लेते हैं, 2s और सबसेल है, 2p सबसेल है, तो 2a सबसेल अपने पास सिर्फ एक ऑर्बिटल रहेगा, दैट इज 2s ऑर्बिटल। यहाँ पर अपने पास क्या रहेगा, 2px रहेगा, 2py रहेगा, 2pz रहेगा। इसी तरीके जैसे मैं सबसे छोटा एग्जांपल इसीलिए लिया था क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन कम बनेंगे, n इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर अपने पास सिर्फ क्या है, 1s सबसेल है, तो 1s सबसेल मतलब अपने पास सिर्फ 1s ऑर्बिटल है। तो अपने पास इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, 2s से 1s में आ सकता है, 2px से 1s में आ सकता है, 2py से 1s में आ सकता है। तो बेसिकली तुमको स्टार्क इफेक्ट और अपने पास जो ये जीमाइन इफेक्ट है उतना अपने सिलेबस में है नहीं, ये तो अपने समझाने के लिए इसलिए बता दिया। तो तुमको ध्यान ये रखना है कि एक्चुअल में अपने पास जो अपन बोर मॉडल में बात कर रहे हैं कि सेकंड सेल से फर्स्ट सेल में आ रहा है, थर्ड सेल से अपने पास सेकंड सेल में आ रहा है या फर्स्ट सेल में आ रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग अपन बोल लेते हैं कि एक ही लाइन आएगी, वो लाइन भी अपने पास काफी सारी लाइन से मिलकर बनी हुई है। जैसे अपन यहाँ पे बोल रहे थे कि सेकंड से अगर 1 में आना है, तो अपन बोलते थे कि सिर्फ एक ही स्पेक्ट्रल लाइन है। अगर मैं एज्यूम करूं कि अपने पास सिर्फ सेल ही है, उसका फर्दर अलग एनर्जी लेवल्स में स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, मतलब सेल के अंदर सब सेल। तो ये था अपने पास कि अगर मैं सिर्फ सेल मानता तो उसके हिसाब से अपने पास क्या आनी चाहिए थी, सिर्फ एक लाइन आनी चाहिए थी। लेकिन अपन ने जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो अपने को पता चला कि सेल के अंदर भी और भी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो उन्हीं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को स्टडी करके फिर बोला गया कि सेल के अंदर सब सेल्स होते हैं, सब सेल के अंदर भी ऑर्बिटल्स वगैरह होते हैं। तो इन दोनों इफेक्ट से अपने पास पता चला, स्टार्क इफेक्ट कुछ नहीं है, बेसिकली वही है अपने पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की जगह उसने इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया था। तो वहां पे अपन सिर्फ यही लिखेंगे। तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ, देखो अपने पास क्या है, तुमको ये बनाने, दो चीजें बनानी है बस, ये तो अपन ने समझाने के लिए इतना कुछ कर दिया। ये तो ये है अपने पास, तो ये अपने पास क्या बता रहा है, जीमेन इफेक्ट की स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन मैग्नेटिक फील्ड।
कि अगर अपने पास कोई एक लाइन है, अगर उसमें मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देता हूं तो वो क्या होती है, और ज्यादा फर्दर स्प्लिट हो जाती है, क्योंकि जो अपन सेल टू सेल बात कर रहे हैं, एक्चुअल में वहां पे एक पर्टिकुलर सेल में भी और भी एनर्जी लेवल्स हैं, जिसको अपन ऑर्बिटल्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हैं अपने पास, और इसी का उल्टा अगर तुम देखोगे स्टार्क इफेक्ट, तो तुमको याद तो सिर्फ यही चीज रखनी है कि लाइंस की अपने पास क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यही अपने पास क्या है, ज़िमेन इफेक्ट है। क्यों हो जा रही है, क्योंकि बोर ने सिर्फ सेल टू सेल ट्रांजिशन देखा था, एक्चुअल में सेल के अंदर भी क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। वो जो ट्रांजिशन हो रहा है एक्चुअल में वो ऑर्बिटल टू ऑर्बिटल हो रहा है, जो कि बोर कंसिडर नहीं कर पाया था, ठीक है। क्योंकि एक सेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बीच एनर्जी डिफरेंस इतना कम है कि ये जो अपने पास चार लाइंस दिख रही है, ये चारों लाइंस एक्चुअल में अपन जब इसको गेन करेंगे तो इतनी पास पास रहेगी कि अपने को एक ही लाइन लगेगी सिर्फ, पता ऐसे रहेगी, ये लाइन इसी के पास में, दूसरा लाइन इसी के पास में, तीसरा लाइन इसी के पास में, चौथा लाइन, तो पूरा अपने को एक डार्क लाइन जैसा दिखेगा बस। तो उसने सिर्फ इसको एक लाइन माना और उसके हिसाब से बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन सेल टू सेल जा रहा है। और स्टार्क इफेक्ट में अपने पास सेम चीज हुआ, किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। तो यहां पे तुम लिख लो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये थे अपने पास दो इफेक्ट। तो बेसिकली इनका कहना यही था कि डिफरेंस ये था अपने पास, अगर मैं इसको एक बार समराइज करके दोबारा लिखूं, कि बोहर ने बोला कि अपने पास सिर्फ सेकंड सेल, मतलब वहां पे एक ही एनर्जी टाइप है, और फर्स्ट सेल मतलब वहां पे भी एक ही एनर्जी टाइप है, तो इलेक्ट्रॉन अपने पास सिर्फ सीधा 2 से 1 आ रहा, तो उसके करस्पोंडिंग एक लाइन बनती है। लेकिन इन लोगों ने स्टडी करके बोला कि सेकंड सेल मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही एनर्जी लेवल्स है, वहां पे और भी एनर्जी लेवल्स है, जैसे अपने पास 2s ऑर्बिटल हो गया, 2px ऑर्बिटल हो गया, 2py ऑर्बिटल हो गया, और 2pz ऑर्बिटल हो गया, और यहाँ पे एक ही एनर्जी लेवल है जो कि क्या है, 1s ऑर्बिटल। अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहता हूँ तो इन सब की एनर्जी अलग अलग हो जाती है। तो इन सब से इलेक्ट्रॉन 2s से 1s में आ सकता है, 2px से 1s में आ सकता है, 2py से 1s में आ सकता है, 2pz से 1s में आ सकता है। तो बोहर को सिर्फ एक लाइन दिख रही थी, क्योंकि वो सेल के हिसाब से ही सिर्फ सोच रहा था, वो लाइन इतनी पास पास थी कि ऑब्जर्व ही नहीं कर पाया। लेकिन उसने क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके नहीं देखा होगा, इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो उसने देखा कि जो एक लाइन पहले दिख रही थी ये एक्चुअल में चार लाइन है, चार लाइन से उसको रिलेट किया कि वहां पे चार एनर्जी लेवल्स होंगे सेकेंड सेल में, जिनको उन्होंने ऑर्बिटल के फॉर्म में क्लासीफाई किया। तो ये अपने को चार लाइन इनके करस्पॉन्डिंग मिल रही थी। और वैसे भी अपन क्या बोलते हैं, जब अपन ने क्वांटम नंबर पढ़ा था तो फिर एटम रहेगा, एटम के अंदर सेल रहेगा, सेल के अंदर सब सेल रहेगा, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल रहेगा, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो वास्तव में इलेक्ट्रॉन तो किस में प्रेजेंट है, ऑर्बिटल में ही तो प्रेजेंट है। तो जो ट्रांजिशन होगा किससे होगा, ऑर्बिटल टू ऑर्बिटल होगा। लेकिन अपने पास जो क्वेश्चन आएंगे वो सब सेल से रिलेटेड ही आएंगे, क्योंकि अपने ज्यादा डिटेल में स्ट्रक इफेक्ट और ज़िमेन इफेक्ट नहीं है, इसके क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है अपने पास, ये अपने सिलेबस में है ही नहीं बेसिकली। बस थोड़ा सा दे रखा है कि स्प्लिटिंग हो जाती है इतना, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस भी अभी तक तो नहीं पूछा गया है। तो तुमको बस ये दो पॉइंट ध्यान रखने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है कि मैग्नेटिक फील्ड की बात की थी किसने, ज़िमेन इफेक्ट ने, और इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने देखा था किसकी प्रेजेंस में, स्टार्क इफेक्ट। तो ये ध्यान रखना कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो बात अपने को यही करनी थी बस। तो अपन ने वो भी देख लिया कि वो देखो अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, अब अपन लगभग फाइनल पे ही है। अगर एटॉमिक मॉडल के हिसाब से बात करें तो कि सबसे पहले रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसने बोला कि अपने पास एटम में न्यूक्लियस होता है और सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमता है, वो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल वही था। फिर उसी को क्या किया, बोर ने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया कि काफी सारे सर्कुलर पाथ हो सकते हैं जिनको स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में जब होता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम mvr h / 2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है।
और ऐसे ही ऑर्बिट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रह सकता है। उसके रिलेटेड उसने कैलकुलेशंस वगैरह करके दी, उन सब की अपन ने बात की। फिर उसके बाद अपने पास, हाँ तो उसके बाद अपने पास कौन आया, उसके क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली आया। तो उसने बोला कि अपने पास बोर्ड ने ठीक है सब कुछ जो भी किया वो चलेगा, लेकिन उसने अपने पास पार्टिकल नेचर माना था, तो लेकिन एक्चुअल में अपने पास क्या है, दोनों नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है। फिर उसके बाद ज़ीमान और स्टार्क आया, तो उसने बोला कि सेल वेल जैसा कुछ नहीं होता, उसके अंदर सब सेल भी है, ऑर्बिटल्स भी है, इस वजह से अपने पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अगर अपन स्पेक्ट्रम निकालते हैं, स्पेक्ट्रम का पैटर्न देखते हैं, तो अपने को जो लाइन, एक लाइन अपने को विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दिख रही थी, वो अपने पास लाइन स्प्लिट हो जा रही है काफी सारी लाइन्स में। तो उसका रीजन यही है कि वहां पे जो एक पर्टिकुलर सेल है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, वो जो ट्रांजिशन हो रहा है वो ऑर्बिटल टू ऑर्बिटल हो रहा है, ना कि सेल टू सेल। तो अभी अपन अभी तक ये देख चुके हैं कि एटम के अंदर वास्तव में ऑर्बिटल्स होते हैं, सेल नहीं होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। तो इसी से अपने पास लास्ट मॉडल आता है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो उससे पहले लेकिन अपने को एक चीज देखना है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो पहली बात है जो अनसर्टेनिटी, इसका क्या मतलब है, तो देखो अगर मैं कहीं पे लिख रहा हूं कि अपने पास कोई पार्टिकल है या कोई सब्सटेंस है जो एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है, मान लो कि अपने पास ये एक पार्टिकल है, पहले मैं इसका मतलब समझाना चाह रहा हूँ अनसर्टेनिटी का। तो अपने पास मान लो कि ये x डायरेक्शन है, ये अपने पास ये y डायरेक्शन है, तो अपने पास x एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है, मैं बोल रहा हूँ कि 100 मीटर पे ये प्रेजेंट है, यहाँ पे डिस्टेंस होगी अपने पास मान लो 100 मीटर, और मैं इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से समझना पड़ेगा तुमको कि ये पोजीशन अपने पास जो x है ये अपने पास कितना है, मैंने मेजर किया कि 100 मीटर आ रहा है, और मैंने लिख दिया कि 100 प्लस माइनस 2 मीटर। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो अपने पास यहाँ क्या है, 2 मीटर की अनसर्टेनिटी है। इसका मतलब ये कि अपन ने कैलकुलेट तो किया है कि 100 पे है, लेकिन ये प्लस 2 102 पे भी हो सकता है, माइनस 2 98 पे भी हो सकता है, मतलब वो इस रेंज से इस रेंज में कहीं पे भी तो प्रेजेंट है, लेकिन अपन ने कैलकुलेट किया तो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो अनसर्टेनिटी का मतलब ये, मतलब एक तरीके से एरर हो गया अपने पास जो कैलकुलेशन है उसमें, कि या तो प्लस 2 या माइनस 2 इस दोनों की रेंज में प्रेजेंट रहेगा, तो एग्जैक्ट अपन नहीं बता पा रहे, और कैलकुलेशन कुछ वैल्यू आएगी उसके हिसाब से अपन ऐसे लिखेंगे। ऐसे अगर अपन ने मान लो कि वेलोसिटी मेजर किया, तो यहाँ पे अपन वेलोसिटी वगैरह को भी अनसर्टेनिटी के साथ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि वी इक्वल टू अपने पास मान लो कितना है, 1000 मीटर है, और मैं लिख दूं प्लस माइनस 10, कि अपन ने जब कैलकुलेट किया तो आ तो कितना रहा है, 1000 आ रहा है, लेकिन उससे 10 कम 10 ज्यादा इस रेंज में वो कुछ प्रेजेंट रहेगा। तो जैसे अपन यहाँ पे देखा कि 98 से 102 के बीच कहीं होगा, और अपन कैलकुलेट कर रहे तो 100 आ रहा है। तो अनसर्टेनिटी का मतलब एक तरीके से बेसिकली एरर की ही अपन बात कर रहे हैं। तो ये प्लस 2 जो है पोजिशन में अनसर्टेनिटी को बता रहा है कि अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, जिसको अपन जनरली डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो अपने पास 10 है, जो अपन लिख रहे प्लस माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, ये बग तरीके से क्या हो गया, अनसर्टेनिटी या एरर इन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ये क्यों मैंने बात की, क्योंकि अपन अभी इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में अनसर्टेनिटी और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी, इसी की अपन बात करने वाले हैं। तो ये मतलब होता है अनसर्टेनिटी का कि अपन कैलकुलेट तो कर रहे हैं, लेकिन अपन एब्सोल्युटली या 100% श्योर नहीं है कि जो अपन ने वैल्यू निकाली हो सही है, उससे कुछ कम कुछ ज्यादा हो सकती है, या फिर एक पर्टिकुलर रेंज में वो हो सकता है। इसी तरीके से अपन ने वेलोसिटी तो कैलकुलेट किया, लेकिन अपन ये नहीं बोल सकते कि अपने पास 100 मीटर पर सेकंड ही है, अपने लिखा है प्लस माइनस 10, मतलब प्लस 10 हो सकते हैं या माइनस 10 हो सकते हैं, तो अपन एक रेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हाइजेनबर्ग था, उसने बेसिकली अपने को यही बोला था कि जब अपने पास स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं,
तो स्मॉल पार्टिकल्स की जब अपन बात करते हैं तो उनके लिए अपन क्या है कि पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ एक ही टाइम पे एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर तुम ऐसा करते हो तो वहां पे कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी, एकदम श्योरली अपन नहीं बता सकते इलेक्ट्रॉन जैसे स्मॉल पार्टिकल्स के लिए। तो इसका स्टेटमेंट ऐसा कुछ था कि अगर अपन इसके स्टेटमेंट वाइज बात करें तो ऐसा कुछ है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल it is impossible to measure simultaneously the position and momentum of a small microscopic moving particle। तो पार्टिकल मूव करेगा तभी उसका पोजीशन भी चेंज होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगी। मूविंग पार्टिकल विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी। कि जब छोटे पार्टिकल्स होते हैं काफी ज्यादा स्पीड से मूव करते हैं, तो अगर अपन उनका मतलब ऐसा तो है नहीं कि अपने पास कोई गाड़ी है तो जा रही तो उसको अपन मेजर कर लेंगे इंच टेप लेके, काफी हाईली स्पीड से मूव करता है। तो कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ मेथड होते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके थ्रू अपन कैलकुलेशंस करते हैं। तो जो अपने पास मेथड डेवलप्ड है या जो इक्विपमेंट्स है उनसे अपन अब क्या नहीं कर सकते कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जैसा स्मॉल पार्टिकल है तो उसका अपन पोजीशन और जो है वेलोसिटी, या फिर वेलोसिटी को ही अपन किससे रिलेट करेंगे, मोमेंटम से रिलेट करेंगे, क्योंकि अपने पास मोमेंटम क्या होता है, p = m × v। तो मास तो एक तरीके से कॉन्स्टेंट होता है, तो अपन मोमेंटम की बात कर रहे हैं, एक तरीके से इनडायरेक्टली वेलोसिटी की ही बात कर रहे हैं। तो सर ये फिजिकली इम्पॉसिबल है मेजर करना या फिर बस इक्विपमेंट की लिमिटेशन है? नहीं 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 नहीं, ये कंसेप्चुअल एरर है, अपन ऐसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं मतलब इसको मेजर कर सके। सर मतलब फ्यूचर में अगर हम एकदम बहुत छोटा लीस्ट काउंट का ले लेंगे इंस्ट्रूमेंट उससे भी नहीं कर पाएंगे कभी? नहीं 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 नहीं, ओके, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, अब आगे देखो डिस्कवरी होती है तो कुछ, तो अभी तक तो जितना साइंस डेवलप हुआ उसी के बेसिस पर अपने पास प्रिंसिपल है ना। लेकिन वेव नेचर को अगर तुम देखोगे तो एक तुम फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करोगे वहां पे, तो वहां पे भी लाइट के लिए भी अपन ये चीज बताते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट को तुम प्रैक्टिकली भी परफॉर्म कर सकते हो। ये मैं बेसिकली मैंने पिछली बार तो जब पढ़ाया था तो मैंने एक चीज बनाया था तो उसके हिसाब से बताता था, मैं करके भी दिखाता था, थोड़ा सा आसान सा होता, तुमको नेट वेट पे मिल जाएगा, मैं अगर मिलेगा तो लिंक ढूंढ के बताऊंगा तुमको। फिर वही है कि वो एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा तो फिर उसमें भी टाइम लग जाएगा, देखते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा मैं, अगर कहीं मिलता है तो अच्छा सा वो भेज दूंगा मैं। हाँ, तो ये था अपने पास इसका कहना कि जो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए अपन पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर अपन ऐसा करते हैं तो दोनों में कुछ ना कुछ एरर आएगा, और जो ये एरर है और जो अनसर्टेनिटी है उसको कैलकुलेट करने के लिए उसने अपने को फॉर्मूला दिया था, जैसे कि अगर मैं दोनों को एक साथ कैलकुलेट करता हूँ और पोजीशन में अनसर्टेनिटी अपने पास डेल्टा एक्स, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी अपने पास डेल्टा पी, तो जो अपने पास रिलेशन रहेगा डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा पी, ये अपने पास हमेशा आएगा ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन 4π। तो इसका ये कहना था कि अपने पास जो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। तो वहां पे कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आएगा, कुछ ना कुछ एरर हमेशा रहेगा।
तो जो पोजीशन में एरर है उसको अपन डेल्टा एक्स से लिख रहे हैं, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन या एरर इन पोजीशन, तो बोल सकते हैं अपन इसको अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। और जो डेल्टा वी है इसको अपन बोलेंगे क्या, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, डेल्टा पी है ना, तो अनसर्टेनिटी मोमेंटम। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन रहेगा, अगर अपन दोनों को एक साथ कैलकुलेट करते हैं तो एरर तो कुछ ना कुछ रहेगा, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का जो प्रोडक्ट रहेगा हमेशा एच अपॉन फोर पाई से बड़ा रहेगा। एच अपने पास अगेन वही है यहाँ पे, फिर प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट बाकी फोर पाई तो अपने पास ये हुई गया। ठीक है, इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि अपने पास जो है ना एक अपन डिफाइन करते हैं एच बार, जो अपन ऊपर ऐसे लगाते इसको बार बोलते हैं, तो ये अपने पास एच बार इसको अपन बोलेंगे। तो अपन एक नया टर्म डिफाइन करते हैं एच बार, और एच बार इक्वल टू अपने पास होता है एच अपॉन टू पाई, एच वही है प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन टू पाई। तो इसी फॉर्मूले को तुम अगर एच बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल एच बार अपॉन, तब बोलते क्या है एच बार, एच बार ही तो बोलते हैं नाम, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे एच को अपन प्लैंक्स कांस्टेंट बोल रहे हैं। तो ऐसे भी इसको कभी कहीं 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 भी तुमको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये अपने पास फॉर्मूला है और कंसेप्ट है कि अपन इलेक्ट्रॉन हुआ तो इलेक्ट्रॉन के लिए अपन पोजिशन को और मोमेंटम को दैट इज वेलोसिटी उनको अपन साइमल्टेनियसली एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, अगर ऐसा करेंगे तो कुछ एरर आएगा और उन दोनों एरर जो है पोजीशन में एरर डेल्टा एक्स, मोमेंटम में एरर डेल्टा पी, उन दोनों का जो प्रोडक्ट रहेगा हमेशा एच बार अपॉन टू या एच अपॉन टू पाई के हमेशा ग्रेटर देन इक्वल आएगा। तो यहाँ पे बाकी सब तो लिख ही सकते हो, एच तो वही का सब तो लिख ही दिया। हाँ, तो एक और चीज अपने पास थी कि जब भी अपन कैलकुलेशन वगैरह करेंगे ना तो फोर कैलकुलेशन कैलकुलेशन पर्पस, तो कैलकुलेशन पर्पस से अगर अपन बात करेंगे तो अपने को क्या करेगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है कि तुमको डेल्टा एक्स दे देगा, तुमसे पूछेगा कि डेल्टा पी निकालो या डेल्टा वी निकालो, उसका भी अपन फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ये ग्रेटर देन इक्वल का जो साइन है तो अपन कैलकुलेशन पर्पस से क्या मान लेते हैं, इक्वली मान लेते हैं कि जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इसको अपन एच अपॉन फोर पाई के बराबर लेके फिर कैलकुलेशन करेंगे। अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि अपने पास दे दिया कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी इतना है, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी निकालो, तो एग्जैक्ट वैल्यू अगर तुमसे पूछेगा तो फिर तुमको इक्वल ही मान लेना है। तो कैलकुलेशन के लिए अपन इस इक्वेशन को लगाएंगे इक्वल मानते हुए, तो कैलकुलेशन पर्पज से ये इक्वेशन अपने को यूज करनी है। तो अच्छा, एक और चीज अगर अपन बोले कि अगर अपन ने क्या किया, पोजीशन को मैंने पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर किया है, मतलब अच्छा मैं इसको लिख के बता देता हूं, कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि इफ पोजीशन ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज डिटरमाइंड एग्जैक्टली, अगर अपन एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, तो एग्जैक्टली कैलकुलेट किया मतलब जीरो एरर है, अनसर्टेनिटी वहां पे जीरो है, मतलब डेल्टा एक्स अपने पास क्या हो जाएगी जीरो। तो अगर मैं पोजीशन को एब्सोल्युटली कैलकुलेट कर लेता हूँ, एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लेता हूँ विद जीरो अनसर्टेनिटी, तो यहां से अगर कैलकुलेट करोगे तो अपने पास जो मोमेंटम आएगा उसमें अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो अगर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं एक टाइम पे एक चीज को अगर एक्यूरेटली कैलकुलेट करूंगा तो उस टाइम पे दूसरी चीज को अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो वहां पे तुम श्योर होके बिल्कुल नहीं कह सकते कि उसका एग्जैक्ट वैल्यू यही है, उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो अपने पास क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगी। अब यहाँ पे रखो ना इन्फिनिटी डेल्टा पी इक्वल टू अपने पास क्या हो गया,
ये अपन लिखाना है एच अपॉन फोर पाई अपने पास क्या होगा, किसी कॉन्स्टेंट ही तो होगा। सर मतलब थ्योरेटिकली उसका क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब इतनी इंफिनिटी एरर थ्योरेटिकली अपने पास एक सिग्निफिकेंस है, एक प्रैक्टिकली एक सिग्निफिकेंस है कि जो वैल्यू अपन निकाल रहे उसको बोल नहीं सकते कि वो उसके आसपास भी होगा या उतना ही होगा। कि अपन ने पोजीशन मान लो कि एग्जैक्टली निकाली कि अपने पास कितनी आ गई 100 मीटर आ गई, वैसे रहेगा कुछ और, इतना नहीं रहता, मीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। कि अपने पास मान लो कि नैनोमीटर में बात कर लेते हैं कि अपने पास पोजीशन आया कितना, एग्जैक्ट पोजीशन अपन ने कैलकुलेट किया और इसकी वैल्यू आई मान लो कितना 30 नैनोमीटर, कि जो ओरिजिन अपने पास होगा जहां पे अपन ऑब्जर्वर जहां पे होगा उससे अपने पास 30 नैनोमीटर पे है जो भी है, तो अपन बोल रहे कि अपन ने एग्जैक्टली कैलकुलेट किया, यहाँ पे एरर जो है पोजीशन में वो जीरो है, अनसर्टेनिटी जीरो है। और अगर जो भी मेथड तुमने यूज किया होगा उसके थ्रू अगर सेम टाइम पे इसी टी टाइम पे तुमने अगर मोमेंटम भी कैलकुलेट किया, मान लो कि आ गया तुम्हारे पास कितना, वो तुम्हारे पास आ जाता है 10^7 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो मैं ये नहीं कह सकता कि 10^7 के आसपास रहेगा या 10^7 ही रहेगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, ये अपन बोलना चाह रहे हैं। पहले कम से कम अपन ये तो कह रहे थे, जैसे यहाँ पे अपन ने वेलोसिटी लिखी थी कि प्लस माइनस 10 हो सकता है, अब ये चीज मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गए? यस सर। इधर इंफिनिटी होने का मतलब ये नहीं कि वैल्यू उसकी इंफिनिटी हो जाएगी, वो मतलब नहीं है। कि जो भी वैल्यू तुमने कैलकुलेट की तो उसके लिए तुम बिल्कुल भी श्योर नहीं हो सकते, मतलब निकाल तो लेकिन श्योर बिल्कुल नहीं है कि वैसा होगा ही या उसके आसपास भी होगा, कुछ भी आ सकती हो, ये बोलने का मतलब है। तो अगर अपन एक चीज को परफेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं किसी टी टाइम पे, दूसरी चीज को भी अगर उसी टी टाइम पे कैलकुलेट किया गया तो उसका एरर फिर मतलब पूरा एरर ही है, वो वहां पे तुम कुछ नहीं बोल सकते दूसरी चीज के लिए। तो ये मतलब है इसका प्रैक्टिकली बोलने का। तो थ्योरेटिकली अपन बोलेंगे तो यही मतलब हो गया कि अगर अपन पोजीशन में जो एरर जीरो है तो इसमें कितना रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा। तो ये हो गया अपने पास। और अगर इसी का उल्टा अपन लिखें तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि इफ मोमेंटम ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज डिटरमाइंड exactly that is अगर exactly कैलकुलेट किया अपने मोमेंटम, इसका मतलब होगा कि अपने पास जो मोमेंटम में एरर है वो तो क्या है, जीरो है, डेल्टा भी अपने पास जीरो हो गया, तो डेल्टा एक्स जो है अपने पास है इनफाइनाइट हो जाएगा, इस तरीके से कुछ है। ठीक है, तो ये अपने पास पॉइंट डायरेक्ट पूछ लेता है, जो दो पॉइंट मैंने लिखा है कि वही करेक्ट इनकरेक्ट टाइप में थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो ये दोनों पॉइंट तुमको याद रखने हैं। तो सेम टाइम पे अपन दोनों को कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक में एरर जितना। अच्छा, एक और चीज अपन यहाँ पे बोल सकते हैं, ये भी पॉइंट की फॉर्म में तुमसे पूछा जा सकता है कि जैसे अपन ने बोला कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, कैलकुलेशन के लिए अपन इसको एच अपॉन फोर पाई के बराबर ले लेंगे, तो एक तरीके से अपने पास क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। कि दोनों में जो एरर है उसका मल्टीप्लीकेशन जो रहेगा अपने पास, जो अनसर्टेनिटी है उसका जो मल्टीप्लीकेशन रहेगा, एच अपॉन फोर पाई के बराबर रहेगा, दैट इज कॉन्स्टेंट। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक में एरर जितना ज्यादा रहेगा दूसरे में उतना कम रहेगा। यहाँ पे अपन वही तो बोल रहे थे कि जैसे मोमेंटम में एरर अपना जीरो हुआ तो इसमें अपने पास जीरो मतलब मिनिमम हो गया, तो पोजिशन अपने पास क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, दैट इज इनफाइनाइट। तो दोनों का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट है, तो अगर तुम्हारे पास पोजीशन में अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कम होती जाएगी। मतलब मोमेंटम में इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकती? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो ये अपने पास तीसरा पॉइंट हो गया कि एक में अगर बढ़ेगा तो दूसरे में कम होगा। एक में तुम जितना एक्यूरेट होते जा रहे हो दूसरे का उतना कम होता जाएगा। हाँ, तो ये हो गया अपने पास। अब यहाँ पे ये तो अपने मोमेंटम की बात कर ली, कभी कभी क्वेश्चंस जो आएगा इसका स्टेटमेंट तो इतना ही था
कि अपन एक साथ दोनों को कैलकुलेट नहीं कर सकते, अगर दोनों में ऐसा करते हैं तो दोनों में एरर होता है, पोजीशन में एरर अपन ने डेल्टा एक्स लिखा, मोमेंटम में एरर अपन ने डेल्टा पी लिखा, और उसने कैलकुलेशंस वगैरह जो भी करके एक रिलेशन अपने को दे दिया कि मोमेंटम में एरर और पोजिशन में एरर का जो प्रोडक्ट रहेगा वो एच अपॉन फोर पाई के हमेशा बराबर या बड़ा रहेगा। और फिर अपन ने कैलकुलेशन बोला कि अपन कैलकुलेशन करने को बराबर लेके कर लेंगे, लेकिन अपने पास क्वेश्चन हमेशा ऐसा तो है नहीं कि तुमको किसी एक में मतलब कि जैसे डेल्टा एक्स दे दिया और तुमसे डेल्टा पी पूछ लिया, या उल्टा कर दे कि डेल्टा पी दे दे और डेल्टा एक्स पूछ ले, वो तो तुमको कभी डेल्टा वी देगा कभी डेल्टा लैम्डा देगा। मतलब इसी फॉर्मूले को अपने को कैलकुलेशन के हिसाब से अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करना है, जैसे अपन ने डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट में किया था। तो एक तरीका रहेगा यहाँ पे, जैसे अपन ने फॉर्मूला अपने पास क्या एक चल के डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन फोर पाई। अब मान लो कि ये फॉर्मूला अपने कन्वर्ट करना है अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, इसके साथ अपने को रिलेट करना है। तो अपने को पता है कि जो मोमेंटम होता है पी, पी इक्वल टू अपने पास क्या होता है एम इंटू वी, ठीक है। अब अपने क्या करना है, डेल्टा पी को जो है डेल्टा एम और वी जो भी चीज चेंज हो जाए उसके साथ रिलेट करना है। तो एक तरीके से मास जो है तो कांस्टेंट है, ये तो उतना ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे तो इसका तो क्या फर्क पड़ेगा, चाहे वो मूव करे चाहे स्टेशनरी चाहे कितनी भी स्पीड से मूव करे। लेकिन अगर अपन देखें कि मोमेंटम में जैसे एरर बढ़ेगा वैसे वेलोसिटी में भी एरर बढ़ेगा, क्योंकि दोनों क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इनको रिलेट करना होगा। तो अपने को ऐसे देखते हैं डिफ्रेंशिएट करके अपन रिलेशन निकालते हैं कि अपने को इधर किसे निकालना है, डेल्टा पी निकालना है। तो अपने पास इक्वेशन है कि पी इक्वल टू अपने पास क्या है मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर मेरे को डेल्टा पी को डेल्टा वी से रिलेट करना है, क्योंकि मैं क्या करना चाह रहा हूँ इस इक्वेशन में जो डेल्टा पी है उसको डेल्टा वी से रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा पी को किसके साथ वी के साथ, तो अपने पास आ जाएगा डी पी बाई डी वी इक्वल टू एम। और जो डी पी है अगर ये तो डी जो होता अपने क्या बताता है स्मॉल चेंज को बताता है, और अपने पास अगर लार्ज चेंज है तो इसको अपन में क्या लिख सकते हैं डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी इक्वल टू अपने पास क्या गया एम। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं कि डेल्टा पी इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी। तो ये अपने पास रिलेशन हो गया किसका डेल्टा पी का डेल्टा वी के साथ। तो हमेशा किसी भी चीज को किसी के साथ रिप्लेस करवाए, जैसे अपने को यहाँ पे बोला था मैंने कि ये जो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी में रिलेशन है इसको मैं रिप्लेस करना मतलब कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ किसमें डेल्टा एक्स और डेल्टा वी में। तो डेल्टा एक्स तो मैंने ऐसे कैसे रखा, तो एक तरीके से मैंने डेल्टा पी को डेल्टा वी से रिप्लेस करवाना चाह रहा हूँ। तो मैंने वही देखा कि पी और वी में क्या रिलेशन होता है, डिफ्रेंशिएट मारा, उसके हिसाब से मैंने निकाला कि डेल्टा पी जो होगा एम टाइम्स ऑफ डेल्टा वी, तो वहां पे रख दो भी। तो अपने पास क्या हो जाएगी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, डेल्टा पी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं एम इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन फोर पाई। यहाँ पे m अपने पास क्या एक तरीके से कॉन्स्टेंट ही है, तो चाहे तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल h अपॉन फोर पाई m। तो ये अपने पास हो गया फॉर्मूला नंबर टू। तो अब क्वेश्चन तुमसे ऐसे भी पूछेगा कि तुमको दे देगा अनसर्टेनिटी इन पोजिशन और पूछ लेगा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, या उल्टा कर देगा वो दे देगा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी और पूछेगा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। इसी तरीके से कभी कभी तुमसे काइनेटिक एनर्जी के लिए भी रिलेशन पूछ सकता है। तो अगर मान के चलो तुमको काइनेटिक एनर्जी के लिए कन्वर्ट करना है, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो अपने पास फॉर्मूला था यहाँ पे ऐसे लिख लो, इसको अलग अलग फॉर्मूला निकालने की यहाँ पे अपने निकाला फॉर्मूला टू।